दोनों तरफ लाइव है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह वला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जिस दौर में लुट जाए फकीरों की कमाई, उस दौर के हाकम से कोई भूल हुई है। एक दरवेश सागर सिद्दीकी का ये कॉल बारहा सुना। आज जाने क्यों जेरे लब है कुछ दिनों से। एक तो आप सबसे माजरत ताखीर की, मेरी आदत बन गई है। बहरहाल वही बात कि हुई ताखीर तो कुछ बायसे ताखीर भी था। जो मकसद भी था तारिक के साथ इस सेशन को करने का, क्योंकि ये कोई मोनेटाइज चैनल तो है नहीं कि हमने इसमें कोई पैसे बनाने हैं या फेम बनानी है, लेकिन इस सारे काम में जो सूरह रहमान का काम है या इस कौम की खिदमत का जो काम है, दुआ का जो काम है, इसमें इस दुनिया में अगर कुछ मिला दुनियावी तौर पे, तो आप सब लोगों की मोहब्बतें हैं, आप सब का प्यार और खलूस और दुआएं हैं। और वो जो तड़प पिछले इतवार से आज के इतवार के दरमियान, मैं नहीं जानता तारिक ने कितने फोन सुने। मैंने दुआ वाले बहुत से लोगों को फर्दन फर्दन शुक्रिया भी अदा किया, उनकी हमदर्दियों का, उनके प्यार का, उनकी ऑफर्स का। पर्टिकुलरली अमेरिकन जितने दोस्त हैं, आज भी अभी भी तारिक के घर आके भी, अभी वो न्यूयॉर्क वाले बट साहब का भी वही जज्बाती फोन आया जो बाकी चार पांच लोगों ने वहां से बार बार जोर दिया कि डॉक्टर तारिक साहब को भी कहें और आप भी हमें स्पॉन्सर करने की इजाजत दें और आप इस मुल्क को छोड़कर यहाँ आ जाएं, और आप जब तक यहाँ पहुंचेंगे यहाँ हर चीज हम अरेंज कर चुके होंगे। बट साहब से तो मैंने बड़ी मुश्किल अभी जान छुड़ाई, दुआएं दी और उन्हें कहा कि नहीं, ये हमारा मुल्क है और छोटे मोटे मिसाइब जिंदगी में होते रहते हैं। हमारा जीना मरना यही है। कल भी एक दोस्त लाइव में पूछ रहे थे कि हिजरत क्या वाजिब नहीं हो गई। जो जितनी जवान कौम है मेरी, मैं उन्हें दोबारा कहना चाहूंगा, जो कल भी मैंने उसमें सेकंड सेशन में जवाब दिया था उनको, जो दोस्त आई थिंक सरगोधा से, अब मैं भूल गया हूँ कहाँ से फोन करके मेरे से कह रहे थे कि आप मुझे बताएं कि क्या ये वो सिचुएशन नहीं आ गई है जिसमें हिजरत वाजिब है और बंदे के पास अपनी अपने लिए अपनी फैमिली के लिए अगर अच्छी ऑप्शंस जमीन पर मौजूद हो तो, और ये ऐसी सिचुएशन हो कि जहाँ आपकी जान या दीन ईमान को खतरा हो, आपको अपने ईमान के मुताबिक जिंदगी गुजारना या पाकिस्तान का मतलब क्या ला इलाहा इल्लल्लाह बताना जुर्म ठहरे, तो क्या यहाँ से जाना जरूरी नहीं है। तो मैंने उसको भी तब भी बताया था कि जज्बाती नहीं होते। हंसी मुझे इसलिए आ रही थी कि तारिक की कहानी इस वाक्य की यहीं से शुरू हुई थी, क्योंकि इनके घर में भी बच्चे, इनके दोनों बड़े बेटे, बच्चियां छोटी हैं, बेटे दोनों बड़े हैं, तो इनकी आपस में उस दिन डिस्कशन ही कहीं हो रही थी। जो भी वाक्यात इस मुल्क में पिछले साल डेढ़ साल से भी हो रहे थे और पर्टिकुलरली पिछले कुछ एक हफ्ते में या 9 मई से ऑनवर्ड जो वाक्यात हुए उसमें वायलेंस भी हुई, और वो बच्चे यंगस्टर्स का यही कहना था कि जब धौंस धांधली की जाए तो फिर जवाब तो आएगा, और ये वो तारिक उन्हें समझा रहा था, क्योंकि तारिक वैसे राजपूत अग्रेसिव है लेकिन इन मामलात में ये यूरोप में भी रहा, स्विट्जरलैंड और जर्मनी में, इसने बड़ा कीनली वहाँ अपनी स्टडीज के दौरान वहाँ के माशरे को भी स्टडी किया, और पर्टिकुलरली 9/11 का जब वाकया हुआ
वहां जो मुसलमानों के साथ वहां की पब्लिक का बिहेवियर में जो चेंज आया, और एज ए मुस्लिम और पर्टिकुलरली एज ए पाकिस्तानी इसने वहां जो भी फेस किया वो सब इसकी याददाश्त में भी है। उसी की बेसिस पे इसने उन बच्चों को ये कहा कि देखो प्रोटेस्ट का भी एक पीसफुल तरीका होता है। घर में भी मैं या मामा या पापा बाबा आपके या कोई भी एल्डर्स जो हैं समटाइम्स आपके मुतालबात को नहीं मानते और आपको लगता है कि आपके मुतालबात जायज़ हैं या आपके साथ ज्यादती हो रही है, तो स्टिल आर्ग्यूमेंट का या प्रोटेस्ट का एक पीसफुल तरीका होता है। वायलेंस जो है वो कभी भी मसले का हल नहीं करती, और पर्टिकुलरली अपने ही घर में, और पाकिस्तान हमारा घर है और हम सब एक फैमिली की तरह से हैं, हमारे अंदर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकते हैं, हम में से कुछ लोग रैश हो सकते हैं, लेकिन अगर वो इनडिसेंट या अनलॉफुल एक्टिविटीज में चले गए हैं और हम भी उन्हें जवाब जो है वायलेंस से देंगे, तो फिर एनार्की की सिचुएशन या सैबोटाज की सिचुएशन मुल्क के अंदर डेवलप हो जाती है। तो सोसाइटीज जो होती हैं वो आपस में जो लॉज डिसाइड करते हैं वो इसीलिए होते हैं कि सब लोग लॉ अबाइडिंग सिटीजन रहें, और अगर ज्यादा झगड़ा है तो कोर्ट ऑफ लॉ को फॉलो करें, और अगर कोई ज्यादा वायलेंट होता है तो पुलिस की हेल्प लें। और इसने उन लोगों को कहा कि चले आज आप लोग मेरे साथ तैयार हों, कुछ और भी फैमिलीज थी या बच्चे जो डिस्कशन कर रहे थे इनके साथ, तो हम सब लोग शाम को प्रोटेस्ट करते हैं, मैं आप लोगों को पीसफुल प्रोटेस्ट बताता हूँ कैसे करना है। इनकी वाइफ ने इन्हें मना भी किया, बड़े बेटे का ए लेवल का पेपर था, छोटे के भी ओ लेवल्स के हो रहे हैं, लेकिन बहरहाल बड़े का तो नेक्स्ट डे पेपर भी था, उसने एक्सक्यूज कर लिया। और उसके व्यूज मैं जानता हूँ, वो अमूमन मेरे साथ भी डिस्कशन करता है तो यूजली मेरे से कन्विंस होता है, इन लोगों के साथ उसकी अपनी एक डिस्कशन का तरीका है, जब तक उसको सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं मिलता यू कांट बुलडोज द आइडियाज, टू है बहुत डीप सोचता है। तो मोहम्मद बिन तारिक उसका नाम है, वो तो घर रहा, तो मोहम्मद यूसुफ जो है इनका दूसरा बेटा वो साथ था, और बेटियां दोनों हाजरा और मरियम बेगम साहिबा इनकी, इसी तरह दूसरे प्रोफेसर साहिबान और उनके बच्चे थे। इन लोगों ने लम्स के बाहर, आप अगर डिफेंस में आते हैं तो जहां लम्स की बाउंड्री वॉल को आप टच करते हैं लालिक चौक से आते हुए, तो सामने रोड के ऊपर ग्रीन बेल्ट है दीवार के साथ, क्योंकि वहां से एक ड्रेन का नाला गुजर रहा है, काफी स्मेल होती है, लेकिन उसके साथ उन्होंने ग्रीन बेल्ट सी बनाई हुई है और उसके ऊपर एक मॉडल सा पड़ा है बी पाकिस्तानी लव पाकिस्तान, आई लव पाकिस्तान का। तो ये लोग वहां खड़े होके फुटपाथ से भी पीछे प्ले कार्ड्स पकड़ के और कुछ स्लोगन्स पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह या लेके रहेंगे आजादी, और ये कर रहे थे जिस वक्त ये मिसहैप हुआ। जहां तक आप सब लोगों की मोहब्बतों का और इस खौफ का इजहार है कि इन्हें इस कंट्री को छोड़ देना चाहिए, ये इसका तो जवाब तारिक देगा, डिसीजन रेस्ट विद हिम। इसने अभी तक यहाँ क्या अचीव किया है, क्यों किया है, आगे इसने क्या करना है, ये इसका, इसके मुल्क का, इसकी कौम का और इसके अल्लाह का मामला है। हाँ, बहसियत बड़े भाई के किसी हद तक इस मुल्क में पोस्ट ग्रेजुएशन पोस्ट डॉक्टरेट के बाद इसको वापस लाने में कुछ रोल मेरे जज्बाती या क्रिटिकल व्यूज का है। आज से 15 साल पहले जब ये अभी पोस्ट डॉक्टरेट कर चुके थे और बड़ी अच्छी पोस्ट पे जर्मनी से वापस स्विट्जरलैंड ऑफर थी, और फिर इन्हें मिडल ईस्ट में किस स्टेट में थी, अलैन में इनको बहुत अच्छी ऑफर थी वहां किसी यूनिवर्सिटी में, तो और ये वहां गए भी, उसको देख भी आए, लेकिन ये मेरे साहब ने जिक्र कर बैठे कि बाबा जी ने एक बार लम्स से गुजरते हुए ने 2003 या 2 में, जब अभी ये स्विट्जरलैंड थे या जर्मनी थे उस वक्त, आप अभी मैं इस्लामाबाद का राजा सिकंदर साहब के घर, चौधरी सिकंदर साहब के घर,
तुमने पढ़ते ही जाना है, तुम जो पढ़ते हो उसका पाकिस्तान में कोई नहीं है। और मैंने आज के कहा जी, जो काम मैं करता हूँ वो पाकिस्तान में वो नहीं है, कहीं पे भी नहीं। तो उन्होंने कहा, काका बाबा इस मुल्क में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में अगली नस्ल की किरदार साजी नहीं हो रही, उनकी तरबियत नहीं हो रही, तो तुम वापस आ जाओ। तो मैंने बड़े हंस के हवा में, ऐसे जैसे कोई बंदा पेज फाड़ता है दोनों हाथों से, मैंने कहा जी मैंने पाकिस्तान आने वाला वर्का फाड़ दिया हुआ है, मैंने पाकिस्तान कभी नहीं आना, मेरा एक दिन का खर्चा जो है वो 5,000 यूरो है, तो बड़ी महंगी साइंस है, कोई नहीं है अफोर्ड कर सकता हमारी, और किसी को समझ नहीं है। मैंने कहा जी किसी को समझ ही नहीं है हम लोग क्या काम करते हैं, किसी को कदर नहीं है इसमें। मैंने कहा नहीं, ये लाहौर में पहली दफा लम्स का जिक्र किसी ने किया तो वो बाबा जी ने वहां किया, इस्लामाबाद में। मैंने कहा वो लाहौर में एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है लम्स, और उसमें नहीं तेरा बनता। तो मुझे याद है मैंने उन्हें यहाँ से पकड़ा गले से, मेरा उनसे बड़ा प्यार वाला रिश्ता था, मेरा एक और रिश्ता था उनसे। मैंने उन्हें कहा कि आपको यही नहीं पता, आप बड़े बाबे बनी फिरते हैं, जो लम्स है ना वो बिजनेस यूनिवर्सिटी है, उसमें साइंस शाइंस कोई भी नहीं है, साइंस का कोई स्कूल नहीं है, और मैं साइंस का बंदा हूँ, मैं रिसर्च का बंदा हूँ। तो उन्हें बड़ा मासूम सा चेहरा बना के मुझे कहते हैं, अच्छा काका बाबा आंखें खुली रखना। तो मैंने फिर भी गाड़ी में बैठते उन्हें यही कहा कि मैंने वर्का फाड़ दिया, मैंने कभी नहीं आना। अगले साल में उन्होंने कहा था जब आए हुए थे और मुझे गश्त पे लेके निकले थे, तो तब तो अभी ये इधर इतनी डेवलपमेंट नहीं की हुई, ये जो है मुझे याद है ये आगे जो अब बतीन चौक है वो अभी इतनी कच्ची सी मट्टी थी और अजीब सा यहाँ तक सड़क थी। तो उन्होंने यहाँ गश्त पे गुजरते हुए मुझे कहा ये है वो। मैंने कहा जी क्या चीज, मुझे तो यार साल पहले का वाक्य था, साल पहले की बात। मैं कहा मैं तुझे इधर का कह रहा था कि ये तेरी इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है तो ये भी तेरा खर्चा नहीं बर्दाश्त करेंगे, इन्हें भी कदर नहीं होगी। और मैंने कहा जी मैंने, मुझे याद आ गई बात, मैंने कहा जी वो पिछले साल भी आपको बताया था कि यहाँ सिर्फ बिजनेस पढ़ाते हैं, सिर्फ सोशल साइंस, मुझे थोड़ा ज्यादा जो पता था मैं, और खुदा गवाह है कि मैं उस दिन पहली दफा मैंने ये यूनिवर्सिटी देखी। मैं तो मॉडल टाउन सारी जिंदगी गुजारी थी, मैंने एफएससी की, एफएससी के बाद मैं एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद चला गया, तो मैं कभी डीएचए आया ही नहीं था, ना मैंने लम्स देखी थी, कुछ भी मैं कभी नहीं सच गया। तो वो इधर से अब मैं सोचता हूँ शायद वो जानबूझ के इधर लेके आए। तो मैंने आज के वो गाड़ी में हमारा मजाक था, मैंने फिर कहा, मैं कहा आपने कोई तरक्की नहीं की, आप पिछले साल वाली जगह पे रुके, मैंने बताया था कि यहाँ पे नहीं है साइंस। पर उसी ट्रिप में हम लोग एक दुआ हुई थी अलहमरा में, वो मेरी उनसे आखिरी मुलाकातों में से एक मुलाकात थी। तो वो सेमिनार के बाद, अलहमरा में सेमिनार था, फेसबुक पे वो चलता है, बाबा जी ने बहुत फूलों वाले हार पहने हुए हैं और आप बहुत यंग हैं, उनका आखिरी आखिरी सेमिनार, आप बहुत यंग हैं, पीछे नजर आते हैं, मैंने तो खुद दुआ करा दी थी, या फ्रंट पे आके बता दिया था अपना कि सारे आप पीछे। नजर आते हैं, शाकिर भाई नजर आते हैं, यंग हैं सारे बड़े। तो मुझे याद है उस सेमिनार के बाद रात गए, अचानक हमें फोन आया, बल्कि आपको फोन आया, तो उन्हें कहा कहाँ हो, तो आपने कहा जी के, क्योंकि सेमिनार की 7 बजे 6 बजे खत्म हो गया था, हम सारे घरों को आ गए, 11 बजे फोन आया था। तो मॉडल टाउन में, मुझे अब याद नहीं एग्जैक्ट लोकेशन, लेकिन मॉडल टाउन में काफी बड़ी कोठी थी, वो बीकन हाउस की कोई प्रिंसिपल हाँ जी, वो थी, मुझे याद नहीं, बड़ी एट प्यारी, ब्लॉक में बाजी इशरत आलिया और तारिक हाँ साहब बाजी का घर। आलिया कहते थे, बड़ी प्यारी काकी। बाबा जी ने आपको कहा जी मैं उधर बैठा हूँ तो उधर आ जाओ। तो हमारे घर में तो वैसे ईद हो जाती थी, एक शादी का समा होता था, मेरी वेरी नेक्स्ट डे फ्लाइट थी,
अगले दिन मेरी फ्लाइट थी, मेरा मोहम्मद और नौशाबा, मोहम्मद तब 8 साल 8 माह का था और पहली दफा पाकिस्तान आया था, तो इन दोनों ने पाकिस्तान रुक जाना था, मैंने अकेले ने जाना था वापस, क्योंकि पहली दफा आया था, मैंने कहा नानी दादी के पास रुक। मुझे याद है माय वाइफ वाज वेरी अपसेट बिकॉज़ आई वाज लीविंग फॉर जर्मनी नेक्स्ट डे वेयर आई वाज डूइंग माय पोस्ट वॉक, तो उसे बड़ा नागवार गुजरा, उसने कहा कल तुमने चले जाना है और पैकिंग भी नहीं हुई। तो मैंने कहा बाबा ये मैं आ रहा हूँ, तो मैं आप कामी मैना थी शायद मानी लोग, हम सारे दौड़ के बस उधर पहुंच गए, वहां बैठे रहे, काफी बातें हुई, लेकिन जब हम वहां से निकल रहे थे तो हम लॉन में से, काफी उनका लॉन था, लॉन में से हम गुजर रहे, तो मुझे जहां तक याद पड़ता है आलिया बाजी की बेटी ने एक ने लम से एमबीए किया था, जहां तक मुझे याद पड़ता जी वो स्टूडेंट थी शायद, ये मुझे नहीं पता, जहां तक याद पड़ता है शायद, तो वो हम दोनों ही बाबा जी के लेफ्ट राइट, मैं राइट पे था वो लेफ्ट पे, तो शायद उस दिन वाली दुआ शायद उन्होंने करवाई थी, मुझे अब याद नहीं कि मैं तो यहाँ रही नहीं ना कभी, मैं इन चीजों में इतना पड़ा, तो उन्होंने बाबा जी को कहा बाबा जी देखे मैंने कितनी अच्छा आज ना सारा अरेंजमेंट था ये, बाबा जी कहते हैं हाँ हाँ काका बाबू बहुत अच्छा, बहुत अच्छी दुआ थी, बहुत मस्त मस्त माहौल था, तो तुमसे तो हमने लम्स में ड्यूटी ले ली है, अब मैं बाबा जी के साथ राइट साइड पे चलता जा रहा, और कोई मेरा, क्योंकि मैं तो अभी मेरी पोस्ट डॉक शुरू हुए साल भी नहीं था हुआ, तो मैंने कहा यार मैं मुझे तो वहमो गुमान में भी नहीं ना कि ये क्या बात करें, वो फिर उसने कहा हाँ बाबा जी मैं बड़ी मेरे मैं अपने फ्रेंड्स को भी लेके आती हूँ, मैंने सूरह रहमान का पैगाम सबको दे दिया, बच्चों को बड़ा फर्क पड़ रहा है जो डिप्रेशन में है स्ट्रेस में, बाबा जी कहते हैं हाँ बहुत अच्छे, ज्यादा से ज्यादा दुआ कराए, वो उनके हाथ में स्टिक थी दाएं हाथ से ऐसे चलते, ये कहते हैं काका बाबा तेरे से तो हमने लम्स में ड्यूटी लेनी, तो मैं फिर सर फेंका, मैं कहा यार उससे बाहर, क्योंकि अच्छा नहीं लगता, मेरा किसी से सलाम दुआ नहीं थी, कोई फ्रैंकनेस नहीं थी, मैं सर फेंक के ऐसा ऐसा चलता जा रहा था, तो वैसे भी मैंने कहा मैं उनके घर आया हूँ, वो बाबा जी के साथ इतना प्यार करते हैं, उन्होंने इतना ये अलहमरा वाला पता नहीं कितने दिन लगे होंगे, महीनों लगे होंगे सेमिनार ऑर्गेनाइज करते, तो दे शुड स्पेंड मोर एंड मोर टाइम विद हिम, मैं तो आता था बस इसी तरह मौका मिला तो बुला लेते, तो अचानक ना वो दाएं साइड पे स्टिक थी, उन्होंने मुझे ऐसे ये वाली कोनी अपनी दाएं वाली कोनी ऐसे मारी, जब उन्हें कहा ना तेरे से तुलना में और काका बाबा काका सिपाही, कभी कभी प्यार में हुए काका सिपाही, काका सिपाही तेरे से बात कर, मैं एकदम चौंका, मैं कहा जी, कहते हैं हाँ आंखें खुली रखना, अब मैं मुझे समझ आ गई है फिर क्या बात कर, मैंने हंस के कहा कि बाबा जी आंखें तो खुली है लेकिन मैं वापस वापस कोई नहीं आ रहा, तो हम चले गए वो गाड़ी पे बैठ के, तो अपने चले गए बाबा जी, अगले दिन एयरपोर्ट छोड़ने आए थे, और वो एक अलहदा वो मेरी उनसे फिजिकल आपकी मुलाकात थी, तो उन्होंने सही कह रहे हैं आपके, मुझे सबसे पहले उन्होंने ही कहा था 2004 ठीक है, तो मतलब 4 में एक दफा ये गश्त पे जब लेके निकले गए, और 4 में फिर वो जो सेमिनार के बाद, और 3 में चौधरी सिकंदर साहब के घर, मेरा कहना है उनकी वाइफ का नाम मुझे बाजी मुसरत सिकंदर फौत हो गए, वो भी फौत हो गई अल्लाह उन्हें करी के रहमत करे, तो उन्होंने कहा था जहां तक पाकिस्तान छोड़ के जाने का मकसद है, मैं तो मेरी तो दुआ है कि, और मैं यही कहता हूँ पिछले 14 साल जो मैंने बच्चों को पढ़ाया है, जो मैंने बड़े ट्रेन करके बाहर भेजे हैं, क्योंकि हमारे पास इतना फैसिलिटीज नहीं है, और जो बच्चों को हम मैक्सिमम लेवल का पढ़ा सकते हैं पढ़ा देते हैं, 100 से ज्यादा बच्चे तो सिर्फ मेरी डिपार्टमेंट से ही, डिपार्टमेंट ऑफ लाइफ साइंसेज से ही पीएचडी करने दुनिया की टॉप प्लेसेस पे गए, तो मैं उन्हें ये कह के भिजवाता हूँ कि
भरपूर तालीम हासिल करो जैसे हम सारों ने की है बाहर, टिका के सीखो, एंड यू नो देर विल बी अ टाइम आफ्टर 10 years और सो जब अल्लाह आपसे पूछेगा आप कहाँ रहना है, तो मैं नहीं कहता कि तुम आना, लेकिन मेरा दिली ख्वाहिश है कि तुम सारे इधर आओ, और जब मैं रिटायर हो रहा हूँ तो मेरे दफ्तर और मेरे बाकी कोलीग्स जो रिटायर हो रहे होंगे, क्योंकि हमारी टीम बड़ी जबरदस्त है, बड़ी कमाल की टीम है, कि मैं जब रिटायर हो रहा हूँ तो मेरे दफ्तर में तुम में से कोई एक आए मुझे रिप्लेस करे, और इस मुल्क को तुम्हें जोड़ के जाना। मैं तारिक का तारुफ दे दूं, तारिक मेरे वालिद साहब प्रोफेसर बी ए चौधरी या बशीर अहमद चौधरी साहब, खुद रावियन थे, पांचों भाई गवर्नमेंट कॉलेज के, लेकिन पाकिस्तान बनने से पहले गवर्नमेंट कॉलेज में मुसलमान बहुत थोड़े होते थे, कायदे आजम की तहरीक जोरों पे थी, इस्लामिया कॉलेज उसके साथ था, आपस में दोनों कॉलेज के स्टूडेंट्स की राइवलरी वैसे होती है थी, लेकिन मुस्लिम बॉयज इधर बहुत कम थे, तो कायदे आजम इस्लामिया कॉलेज में अगर आए भी एक दो बार तो फिर ये गवर्नमेंट कॉलेज वाले उधर जाते थे, वहीं ज्वाइन करते थे, और चूंकि ये ऊंचे लंबे हमसे भी ऊंचे लंबे जवान थे तो बॉडी गार्ड्स में या जो वॉलंटरी बॉडी गार्ड्स होते हैं उनमें ये भी होते थे, उस तहरीक के रूए रवां थे, उस वक्त की हुकूमत के नज़दीक ये शार पसंद अनासर थे जो आज़ादी मांग रहे थे कायदे आज़म के संग और अंग्रेज़ों से, या जो भी उस वक्त असेंबली एक चल रही थी मिक्स थी लोकल भी, तो ये लड़कियां लड़के यंगस्टर्स थे गवर्नमेंट कॉलेज और इस्लामिया कॉलेज या दूसरी भी लाहौर के जो भी स्टूडेंट्स थे और बाकी भी शहरी, कायदे आज़म के संग उस तहरीक का ये हर कोई अपने अपने लेवल पे, कोई छोटा वर्कर कोई बड़ा वर्कर होगा रहा होगा ये भी थे, और पाकिस्तान का मतलब क्या ला इला इल्लल्लाह लगाने वालों में से ये लोग शामिल थे, मेरे वालिद और ताया पांचों। ICS उस जमाने में होता था, एक ने वो कर लिया, एक ने बार इटला, चौधरी जलाल खान एडवोकेट थे फैसलाबाद के, बहुत से जजेस साहिबान के वो उस्ताद हैं, फौत हो चुके हैं लेट 70s में या 80 में शायद फौत हुए थे, 78-79 में, चौधरी जलाल अहमद खान एडवोकेट फैसलाबाद के। दूसरे नंबर पे ताया जान जलाल थे जिनके बेटे असलम खोकर साहब सेशन जज रिटायर हुए, फौत हो गए 98-99 में। बड़े ताया जान के बेटे भाईजान अफजल, उनका नाम मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूँ, इंजीनियर थे UET से और सऊदीया में उन्होंने ज़रा सर्व किया, चीफ इंजीनियर वहाँ रहे और रियाद बनाने में काफ़ी उनका रोल रहा, 60s में चले गए। उन्हीं के दूसरे बेटे भाईजान असगर फौत हो गए, भाईजान अख्तर मेरे बहनोई भी हैं, डॉक्टर हैं, मैं रियाद में उन्हीं के पास 2 साल रहा, पीडियाट्रिशियन है अब रिटायर हो गए, वो भी ऑलमोस्ट 75-70s हैं। अब्बा जी चूँकि सबसे छोटे थे तो हम लोग बहुत छोटे थे इन सब में, बड़े भाइयों को, ये हमारे भाई थे, हमारे हमारा घर खुद एक छोटा सा पाकिस्तान या कम्बाइंड फैमिली सिस्टम था, ईदों पे गांव में इकट्ठा होना होता था, दादा को हमने नहीं देखा, हम फौत हो चुके थे, उनकी कहानी मैं पहले सुना चुका हूँ, जो उन्होंने अपनी अगली नस्लों तक बताने के लिए कहा कि किसी की आह ना लेना ना देना ये भुगतनी पड़ जाती है 7 नस्लें, और वो 7वीं नस्ल थे जिन्हें आखिरकार एक सैयद की दुआ से वो उसमें से निकले, वो कहानी एक दुआ सेशन में आई थिंक 34 या 14 नंबर में कहीं शुरू में है। तीसरे ताया पाकिस्तान जब बना तो उस वक्त वो भी ब्यूरोक्रेट थे, डिप्टी कलेक्टर आई थिंक अमृतसर वाली साइड पे थे, बड़ी मुश्किल से वहां से जान बचा के निकले, इधर आए फिर मुल्तान में वो डिप्टी कमिश्नर के तौर पे रिटायर हुए। उनके तीनों बेटे बड़े भाईजान रफी डॉक्टर साहब, मेरी डॉक्टरी में उनका काफ़ी रोल है डॉक्टर बनने में, अम्मी के साथ अबू के फौत होने के बाद उनका बड़ा रोल रहा बड़े भाइयों की जैसा, और भाईजान वसी जफर तो पूरा मुल्क जानता है, बहुत ही अग्रेसिव वजीर रहे, वजीर कानून लेकिन वकील थे, पॉलिटिकल वर्कर भी थे, पीपल्स पार्टी के रहे, फिर बाद में छोड़ दिया उन्होंने, डिफरेंसेस हुए उनके और इतजाज साहब के, जब तो ये छोड़ गए इतजाज साहब ने कॉन्टिन्यू किया। सबसे छोटे आर्मी में जनरल के होते तक गए मुशर्रफ साहब के दौर में, मिलिट्री इंटेलिजेंस के भी आई थिंक नंबर 2 या नंबर 1 रहे, और फिर ISI के भी चीफ रहे DG और जनरल जकी जफर।
चौथे ताया जी शफी जफर तीसरे और चौथे ताया जी नसीर, उनके तीनों बेटे बी राबियन बड़े भाईजान मुनीर एडवोकेट आज आए हुए थे, मैं मिल नहीं सका जड़ावाला में, और पॉलिटिकल वर्कर भी पहले मुस्लिम लीग के एमएसएफ के रहे, हमारी फैमिली 70s तक रही, लेट 70s तक, फिर भाईजान बसी पीपल्स पार्टी की तरफ स्विच कर गए और 90s में छोड़ गए। उनसे छोटे प्रोफेसर तनवीर हिस्ट्री के, प्रोफेसर जड़ावाला उन्होंने जाके सर्व किया, गवर्नमेंट कॉलेज से भी पढ़े, अमजद भट्ट साहब के बड़े फेवरेट शागिर्दों में से, और छोटे नईम अल्लाह को प्यारे हो गए हैं, वो भी एडवोकेट थे। फिर हमारा घर, बड़े भाई भाईजान अरशद फौत हो गए हैं, बैंकर थे, यूबीएल वाइस प्रेसिडेंट, नैब में भी रहे शायद आखिर में, लेकिन मैं और बाजी के बाद दूसरे नंबर पे खालिद है, तीसरे नंबर पे तारिक है, और सबसे छोटे इमरान कामरान ट्विंस हैं। अबू जब फौत होते हैं 81 में, मैं सिर्फ 14 साल का था और तारिक सिर्फ 8 साल का। अम्मी कभी कभार ऐसे ही मेरा हौसला बढ़ाने के लिए कह देती हैं, इसने मेरा बड़ा साथ दिया, बड़ा होने के नाते मैं अब्बा जी का लाडला था, और लाडला जो बच्चा होता है वो यूजली हड हराम नकारा होता है, जो ज्यादा लाडले नहीं होते उन्हें अपने आप को प्रूव भी करना पड़ता है, और काफी हद तक वो इंडिपेंडेंट जल्दी हो जाते हैं, समझदार जल्दी हो जाते हैं। मैं ये समझता हूं कि '81 में जिस दिन अब्बा जी की सडन डेथ हुई, गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में, वो इंग्लिश के प्रोफेसर थे, प्रोफेसर बी ए चौधरी, उनके स्टूडेंट सभी मिलते हैं, लोग उनसे शेक्सपियर बड़े शौक से पढ़ते थे, इमरान कामरान उस वक्त अभी स्कूल भी नहीं जाते थे, वो अभी 5वां साल उनका पूरा नहीं हुआ था, अबू की डेथ के बाद उनका एडमिशन हुआ सेंट मॉडल स्कूल में, हम पांचों भाई सेंट मॉडल स्कूल से पढ़े, सेंट मॉडल स्कूल लोअर माल। खालिद सिर्फ 10 साल का था और तारिक सिर्फ 8 साल, मैं 14 साल का, बाजी बड़ी थी साल, तो मेरी माँ ने हमें पाला। एक अकलौते मामू थे, वो अपनी ड्यूटी देते रहे, हर हफ्ते फैसलाबाद से आते थे, बैंकर थे, गवर्नमेंट रेजिडेंस छोड़नी पड़ी हमें 81 में, जनरल ज़िया साहब का दौर था, कुछ अरसे के बाद माँ ने एक छोटा सा घर बनाया और मुझे जबरदस्ती डॉक्टर बनाया। 91-2 में मैं इलामा इकबाल से डॉक्टर बना, तारिक डॉक्टर बनना चाहता था बाय चॉइस, खालिद पंजाब यूनिवर्सिटी से एमबीए कर रहा था, तारिक एक नंबर से मेडिकल कॉलेज में नहीं जा सका, और उस वक्त प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस होते भी नहीं थे और मैं उसके फेवर में भी नहीं था, हालांकि थोड़ा सा बड़ा था इनसे, इतना समझदार नहीं था। खैर इसने एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ज्वाइन की और वहाँ से बीएससी के बाद ये निबजी में सेलेक्ट हुआ, और फिर ये लेट 90s में वहीं से मास्टर्स के बाद
1999 ये स्विट्जरलैंड में इसकी सिलेक्शन हो गई पीएचडी प्रोग्राम में, और माशाल्लाह सिलेक्शन अप्रैल में हुई, अप्रैल में हुई, और फिर उन्होंने सितंबर 1 से काम शुरू करा। ये स्विट्जरलैंड चला गया, मैं डॉक्टरी कर रहा था इत्तेफाक हॉस्पिटल में और सोशल सिक्योरिटी के कार्डिक सर्जरी हार्ट सर्जरी में, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन शुरू हो गई मेरी भी यहाँ पे, जनरल हॉस्पिटल चला गया। जिन दिनों मेरा भी 99 वो ईयर है जब मुझे भी वो प्रिक हुआ पेशेंट को जो एड्स या एचआईवी का वायरस था और बी और सी के वायरसेस थे, और तारिक जमनी था इनमें से, स्विट्जरलैंड था, उसका स्विट्जरलैंड था। वो दो साल जैसे भी मैंने भी गुजारे, बाबा जी मिले, सूरा रहमान मिली, सूरा रहमान की थेरेपी मिली, बाबा जी से प्यार मिला। उस दौरान ये भी आया, शुरू में इसने क्रिटिसाइज किया, पहली मुलाकात में ही इसको बाबा जी ने जेनेटिक्स, जहां पे इसकी पीएचडी फंसी हुई थी वहां से बाबा जी ने इसको जेनेटिक्स पढ़ाई, और इसने उसके बाद क्यों आर्गुमेंट नहीं किया, नहीं तो तारिक बहुत ज्यादा आर्गुमेंट करते थे। बाकी तो उसने बता दिया कि बाबा जी ने अगली चंद सिटिंग्स में, जब ये जर्मनी स्विट्जरलैंड से आता था, फिर इसकी पीएचडी के बाद ये पोस्ट डॉक्टरेट में जर्मनी चला गया, फिर बाबा जी को जर्मनी बुलाने के चक्कर में रहा, वीजा भी भेजा, लेकिन बाबा जी का वीजा रिजेक्ट हो गया यहाँ से। तारिक ने स्पॉन्सरशिप भेजी है और कामरान थे, और बाबा जी कामरान को आखिर दिन तक ब्लेम करते रहे, ये मेरे भी गोडे गिट्टों में बैठ गया। तो उनका वीजा कैंसिल हो गया, हालांकि उनका पहले अमेरिका गए थे, उनके मल्टीपल वीजा लगा हुआ था। तो 2005 में बाबा जी पर्दा करते हैं और मैं सऊदीया चला जाता हूँ। दो साल मैं रियाद रहा, दुनिया का एक बहुत बड़ा आईसीयू, 150 बेड का आईसीयू रियाद के बड़े हॉस्पिटल में था, जहाँ मैं काम कर रहा था। ये स्विट्जरलैंड जर्मनी में पोस्ट डॉक्टरेट कर रहे थे, नौशाबा भी पीएचडी पहले कर रही थी, इनके साथ ही थी, वो भी साइंटिस्ट हैं, बाद में बेबी हो गए ये दोनों, मोहम्मद और यूसुफ, तो उसको अपना पीएचडी को शायद दरमियान में छोड़ना पड़ा, तारिक ने कंटिन्यू किया। लेकिन सऊदीया में मुझे वो दिन याद है जब मैं वहाँ, तनख्वाह तो थी, पैसा तो था, बच्चे मेरे साथ थे, लेकिन मैं अपने काम से सेटिस्फाइड नहीं था। मेरा ख्याल था मैं कुछ नया सीखूंगा, लेकिन वहाँ मुझे सिखाना पड़ गया। मैं सिखाता भी था, जो मेरे साथ सऊदीज थे वो सीखना ही नहीं चाहते थे, ज्यादातर उनके बच्चे बच्चियां। इसी दौरान मुझे नहीं पता था वो लोग अपने तौर पे असेस कर रहे थे या बाय चांस था, उन्होंने मुझे एक टोटली इंडिपेंडेंट आईसीयू, 10 बेडेड आईसीयू दूसरे हॉस्पिटल में भेज दिया एज हेड, हालांकि मेरी सिलेक्शन जो थी वो एक जूनियर डॉक्टर के तौर पे थी। उसी तनख्वाह में वो मेरे से हेड का काम ले रहे थे, वहां पे मुझे शायद कीनली ऑब्जर्व भी किया गया, और आखिर में मुझे कहा गया कि आप रियाद मिलिट्री हॉस्पिटल में आ जाए, और वहां एक रॉयल कनेक्शन उनका था, जो भी था उनकी इंटेलिजेंस का अपना होगा, बहरहाल एक बड़ा जबरदस्त आईसीयू था जो मिलिट्री आईसीयू था, उनकी भी प्रिंसेस वगैरह अगर आते थे तो वो उसमें अलहदा क्यूबिकल्स थे जहाँ ट्रीट होते थे। वहाँ 2 मंथ्स मैं काम कर रहा था एज ए लोकम, जब मैंने रिजाइन कर दिया कि मुझे पाकिस्तान वापस जाना है, मुझे यहाँ से कुछ लोगों ने लाहौर से प्रोफेसर कामरान चीमा साहब ने आईसीयू बनाया था सर्विसेज हॉस्पिटल में, और उनके साथ मेरे एक जूनियर होते थे डॉक्टर आरफीन, उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया कि अगर आप अपने साथ टीम भी ले आए या आके यहाँ टीम ग्रो करें, एक आईसीयू बनाया गया है लेकिन सरकारी सेटअप है तो उसको चलाने वाला, रन करने वाला और टीम को एस्टेब्लिश करने वाला कोई बंदा नहीं है, तो अगर आप आ जाए, पैसा तो नहीं है लेकिन ये एक खिदमत होगी, बाकी फिर देखा जाएगा। मैंने वहां रिजाइन कर दिया, मुझे मेरी फैमिली के कुछ लोगों ने, पर्टिकुलरली मामू ने और मेरे बड़े तायाजान के बेटे जो मैं बताया भाईजान अफजल, उन्होंने काफी क्रिटिसाइज किया, फोन पे मना किया। अम्मी जी से मैंने बात की, मेरी माँ ने कहा कि अपने मुल्क जैसा कोई नहीं होता, मैंने तुम्हें कुछ नहीं कहा था, मैं मुल्क को भी माँ कहता था। पहले जो भी एक जज्बा था कि शायद मैं बाहर से जाके, मैं शुरू में नहीं जा सका था बाहर, मेरे क्लास फेलोज गए थे, मैं अपनी डबल ट्रिपल जॉब यहीं कर रहा था, ये सब पढ़ रहे थे अभी,
अब मेरा था कि शायद इंटरनेशनल एक्सपोजर होगा, मैं कुछ सीखूंगा, वहां से आगे चले जाऊंगा। लेकिन पता नहीं क्यों सऊदीया के एयरपोर्ट पे, रियाद एयरपोर्ट से ही पहले दिन ही मुझे पाकिस्तान की पहले से ज्यादा कदर होना शुरू हो गई। एक अजीब सी सोच थी, कभी पहले ऐसे सोचा नहीं था। इस दौरान मैं अपने एग्जाम्स देने जब भी पाकिस्तान आया, मेरा बस नहीं चलता था कि मैं एयरपोर्ट पे ही सजदा कर दूं, ये जमीन को छूऊं। यहाँ की बेहंगम ट्रैफिक, इशार पसंद शहरी, ब्लडी सिविलियंस मुझे बड़े प्यारे लगते। यहाँ की बदबूएं, यहाँ की गधा गाड़ियां, रिक्शे, अशारे पे, रियाद में तो सारी मोटरवेज है, सड़क नहीं क्रॉस कर सकते आप वहां पे, बहुत स्पीड पे गाड़ी आ रही होती है। वाहिद इंसेंटिव मदीना और मक्का था, 2 साल वहां हाजिरियां दी, लेकिन हरदम यही रहा कि मैंने अपनी कमिटमेंट इनके साथ 2 साल की थी, मैंने पूरी करने, मैंने वापस जाना। और जब यहां से कहा गया तो मैंने ये तक नहीं पूछा कि क्या ऑफर है, मेरी सीट टीचिंग होगी, फैकल्टी होगी, या क्या होगी, क्या तनख्वाह होगी, क्या नहीं होगा। डॉक्टर मजहर नकवी आज माशाल्लाह प्रोफेसर हो गए, ये भी उस वक्त मेरे साथ जूनियर थे, डॉक्टर आसिम राणा, ये तीनों हम थे, आबिद थे, ये लोग वही थे जब मजहर ने मुझे कहा अगर आप जा रहे हैं तो मैंने भी जाना है। हम दोनों ने बस्ते उठाए और पाकिस्तान आ गए। और सर्विस हॉस्पिटल को 2 माह बाद हमें उन्होंने इंटरव्यू किया और सिलेक्ट कर लिया। मजहर अभी पिछले दिनों शायद गुजरांवाला प्रोफेसर होकर ट्रांसफर हुए हैं। मैं अब मेडिसिन में चला गया हूँ क्योंकि आईसीयू में कोई सीट ही नहीं थी जहाँ मैं जाता। और एक बड़े साहब, जब मैं नया नया आया था, वो उन्होंने हलफ उठाते साथ रात को आईसीयू में छापा राउंड किया हॉस्पिटल में। उनकी जिद थी कि मैं एक्स्ट्रा पेशेंट भी ऊपर आईसीयू में लूं, तो मैं उन्हें प्यार से समझा रहा था कि सर ये आईसीयू है, इसमें वेंटिलेटर चारों काम कर रहे हैं, मैं कैसे आठों इस पे पेशेंट तो नहीं डाल सकता। और जो कॉर्नर आप खाली देख रहे हैं वो अभी वो साइड बन रही है, ये एक बरामदा है जिसमें आईसीयू बना दिया गया, ऊपर फाइबर ग्लास डाल के, बारिश होती है तो इतना सा पानी खड़ा होता है, तो जो भी पेशेंट बेचारा आएगा उधर तो पंखा भी नहीं है, और चे जाए कि आईसीयू केयर मैंने उसे क्या देनी है, जिस तरह का बेड वो नीचे है इसी तरह का बेड यहाँ डाल जाएगा, बाकी नीचे कम से कम उसको ऑक्सीजन अवेलेबल है, यहाँ तो साइड पे ऑक्सीजन पॉइंट भी नहीं है, वो अभी बन रही है। तो ये गुस्ताखी उन्हें शायद पसंद ना आई। मेरी पर्सनल फाइल अगले 10 साल उनके सेक्रेटेरिएट में रही, वो गए तो फिर 2019 में मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर किया गया। और जो बच्ची उस दिन मेरे से सीखने के लिए रात को खड़ी थी, जो मैं सिखा रहा था रात की 11-12 बजे, वो माशाल्लाह प्रोफेसर है, जिसने उसके अंडर काम किया वो अब चंद दिन पहले मेरे ऊपर एसोसिएट प्रोफेसर आई है। और मैं जब उन्हें ग्रीट करने गया तो बेचारी खड़ी हो गई, सरसर करी जाए तो मैंने प्यार किया कि बेटा आप क्या कर रहे हो, मैं आपका जूनियर हूं। ये बात तारिक से तो रिलेटेड नहीं है लेकिन है। सत्ताईस अक्टूबर 2005 में मैं सऊदीया में रियाद एयरपोर्ट पे उतरा था, और 7 अक्टूबर 2007 में, 2 साल के बाद मैं लाहौर वापस आ गया था। बड़ी मजेदार गुफ्तगू थी, मैंने बच्चों को वापस भेज दिया हुआ था, आखिरी 2 माह मैं वहां, उनकी तरफ से अचानक ऑफर आई थी रियाद मिलिट्री हॉस्पिटल का आईसीयू की,
और वहां वाकई मैंने सीखा, नई चीजें देखी, नई बड़ी अच्छी गैजेट्स मशीन्स देखी। और वहां जो सऊदी डॉक्टर्स थे दो चार, सब कैनेडियन ट्रेन थे और बहुत अच्छे डॉक्टर्स और बड़े अच्छे ह्यूमंस थे। इसके साथ वहाँ पाकिस्तानी डॉक्टर्स थे, जिनमें से एक ने बेसिकली मुझे, डॉक्टर काशिफ ने कहा कि आपको, एक डॉक्टर साहब थे जो हज के भी पूरे हेड होते थे, जब हज के ऊपर सिक्योरिटी और मेडिकल कवर वो सारा देते थे, कर्नल साहब थे, कि वो ऑफर कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ किसी कॉन्फ्रेंस में मैंने क्वेश्चन किए थे खड़े होकर, जिसके बाद उन लोगों ने मुझे मार्क किया शायद, या उन्होंने ऑफर किया कि आप इस आईसीयू में आ जाए। मैंने कहा मैं तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में, उन्होंने कहा वो हमारा मसला है, और उन्होंने अगले दिन मुझे उठा लिया उधर ले आए। दो माह मैंने काम किया, मुझे नहीं पता उन्हें मेरा काम कैसा लगा, लेकिन जब मैंने अचानक रिजाइन दिया, नोटिस पीरियड दिया हुआ था और फिर रिजाइन दिया और अपने ड्यूज क्लियर करने गया, तो वहाँ कोई जनरल साले थे, आज तक मुझे नाम याद है, जो पूरे हेड थे उस कॉम्प्लेक्स के, मुझे कहा गया कि आपके कागज क्लियर नहीं हो सकते, आपको उनके पास जाना है। मैं बच्चे भेज चुका था, मैंने कहा शायद उसने ग्रीट करना होगा कि आपने सर्व किया है। मैं गया तो उन्होंने मुझे बिठाया बड़ी इज्जत देके, जो अनयूजुअल है खारजियों के लिए, और मुझे उन्होंने कहा कि डॉक्टर तुम क्यों पाकिस्तान जा रहे हो, मुझे सच जवाब दो। मैं बड़ा हैरान हुआ कि इसमें सच झूठ वाली क्या बात है। तो मैंने उन्हें कहा कि सर मैं अपनी माँ की खातिर जा रहा हूँ। मैंने कहा नहीं, मैं क्या कहूँ कि अपने मुल्क की खिदमत करने जा रहा हूँ या मैं मुल्क की खातिर जा रहा हूँ या नहीं, इनको समझ नहीं आएगी, और मैं मुल्क को भी माँ ही कहता हूँ, और माँ जी भी थी, लेकिन मैंने बस इतनी बात की। उसने हंस के मुझे कहा कि तुम लोगों की तो एक माँ होती है, हमारी चार चार माएँ होती हैं, तो ये कोई आंसर नहीं है, तुम यहाँ रह के माँ की ज़्यादा खिदमत कर सकते हो, तुम्हें वहां से यहाँ 10 times जॉब ऑफर हो सकती है, और आई डोंट वॉन्ट टू लूज यू, वी हैव अ कीन आई ऑन यू फॉर सर्टन पीरियड ऑफ टाइम। और किंग अब्दुल्ला थे उस वक्त, उनके लिए हमें एक डॉक्टर चाहिए जो उनके साथ ही रहे, आपकी टोटल सिक्योरिटी क्लियरेंस है। मैं हैरान हूँ कि उसकी बातें सुन रहा हूँ, तो आप अपनी सैलरी बताएं कि आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं, और लेकिन आपको किंग के साथ ही मूव करना है, और अगर वो अमेरिका जाते हैं या शायद उन्हें वेंटिलेटर पर डाल दिया जाए लॉन्ग टर्म वेंटिलेशन पे या सारा कुछ, तो आपको ये सारा काम करना है और हर जगह उन्हें कंपनी करना है। आप अपनी फैमिली को भी यहाँ बुला सकते हैं, आपको रॉयल उस पैलेस में ही रहना होगा। मैं हैरान हूँ कि उसकी बात सुन रहा था, तो मुझे उसने कहा कि तुम्हारी इमेजिनेशन में जितनी भी सैलरी है वो मुझे बोलो, या तुम्हारी जो भी एक्सपेक्टेड सैलरी है वो मुझे बोलो, तो देन आई विल टेल यू द होल पैकेज। तो मैंने उसे हंस के कहा कि थैंक यू सर, लेकिन मुझे अपने मुल्क वापस जाना है अपनी माँ की खातिर, तो आई एम नॉट इंटरेस्टेड। मैंने उसकी आंखों में अजीब एक हैरानी, उसकी आंखें फटती हुई देखी, तो उसने कहा कि मैं तुम्हें एक बात बताऊं, तुम जिंदगी की बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, तुम सोच नहीं सकते कि ये कितनी बड़ी ऑफर है, तुम उसको सुन तो लो। मैंने कहा सर मैं, आप एक अच्छी ऑफर करें और फिर मैं उसे रिफ्यूज करूं शायद आपको बुरा लगे, मेरा चूंकि फैसला है कि मैंने अपने मुल्क जाना है। और तब मैंने उसे हंस के कहा कि मैं अपनी माँ अपने मुल्क को भी कहता हूँ, और ये जो स्किल्स जो कुछ भी थोड़ा बहुत मैं जानता हूँ, मैंने 15-20 साल आईसीयू किया है, मैं ये अपने मुल्क में ही जाके सिखाना चाहता हूँ। मैं यहाँ सीखने आया था, लेकिन मैंने देखा कि आप लोग वही काम कर रहे हैं, मैं ऑलरेडी कर रहा हूँ, मैं अपने मुल्क में जाके शायद उनके लिए ज़्यादा फ्रूटफुल हूँ, क्योंकि वहाँ हमारे अभी ये बहुत कम आईसीयूज हैं और बहुत कम लोग। तो उसने एक कहका लगाया, उसने कहा अच्छा तुम मुल्क को भी माँ कह रहे हो, तो उसको शक था। उसने कहा देखो मैं इंटेलिजेंस में भी इतनी देर सर्व किया है, मैंने तुम्हें कहा ना कि तुम्हारी टोटल सिक्योरिटी क्लियरेंस ली है और तुम हमारे अंडर ऑब्जर्वेशन हो लास्ट वन ईयर से, या क्या उसने टाइम बोला या कितने मंथ से। तो मैं हैरान होकर सारा कुछ सुन रहा था, तो मुझे समझ नहीं आ रही थी ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है। मैं अपने ज़हनी तौर पर तैयार था, बच्चे भेज चुका था, सामान भेज चुका था, सिर्फ मैंने जाना था वापस। तो मुझे कहने लगा कि तुम पाकिस्तान की खातिर कह रहे हो, देखो मैं तुम्हें बताता हूँ, अगर तो तुम किसी और मुल्क में जा रहे हो असल में,
तुम्हें कनाडा या अमेरिका जाना है, तुम पाकिस्तानी ये करते हो, या तुमने कहीं भी और जाना है, मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि तुम भूल जाओगे। तुमने वहां पे 5 सालों में कमाना है, तुम यहाँ पर विद इन ए ईयर तुम्हारे पास वो सब कुछ होगा और वो वाली पर्क्स होगी जो तुम इमेजिन नहीं कर सकते। तो मैंने उसे दोबारा कहा कि नहीं सर, मैंने पाकिस्तान ही जाना है और पाकिस्तान से बाहर नहीं जाना, और मेरी वालदा वहां पे है और मुल्क भी मेरा माँ है। जिसपे उसने कहका लगा के मुझे कहा कि तुम्हें ये फिक्रा मुझे चुभ गया, जिसने मुझे फैसले पे मजीद फर्म कर दिया। तो उसने कहा कि फिर बच्चे तुम बहुत बड़ी गलतफहमी में हो, मैं तुम्हें आज बताता हूँ कि मुशर्रफ जा रहा है। 2007 में वहां बैठ कह रहा, और अभी तुम्हारे मुल्क में जो है बहुत बम धमाके और सेबोटाज होगा, और 2015 के बाद इंटरनेशनल पावर्स के इंटरनेशनल मैप पे पाकिस्तान एग्जिस्ट नहीं करता, तुम बहुत पछताओगे। मैं तुम्हें कह रहा हूं कि तुम यहां रहो और तुम फॉरेन एक्सचेंज अपने मुल्क में भेज सकते हो। मैंने कहा देखो, मेरा मुल्क 2015 में रहता है या नहीं रहता, ये मेरा और मेरे अल्लाह का मामला है। मैं इंटरनेशनल पावर्स को नहीं मानता, मैं एक ही पावर को मानता हूँ। मैं खड़ा हो गया सीट से, और सर आई एम सॉरी फॉर दैट एंड आई हैव टू लीव। उस पे उसने मुझे कहा कि तुम ये जानते हो, उसने मेरा पासपोर्ट उसके पास था, उसने कहा कि अगर मैंने इसके ऊपर लिख दिया कि यू आर नीडेड, यू कैन नॉट लीव दिस कंट्री, और अगर तुम नौकरी नहीं भी करोगे, तुम इन सड़कों पे रुल जाओगे, लेकिन तुम इस मुल्क से जा नहीं सकोगे, तो मैं तुम्हें रोक सकता हूँ। मैंने कहा सर आप मुझे जरूर रोक सकते हैं, लेकिन ऑफकोर्स आपको मेरी शक्ल तो अच्छी नहीं लगती, आपको मेरा काम अच्छा लगता है, और ऐसे स्टेट ऑफ माइंड के साथ मैं काम नहीं कर सकूंगा। जो काम आप मेरे से मांग रहे हैं वो काम मैं कर नहीं सकूंगा, मैं पहले से आपको बता रहा हूँ। मुझे जाना है अपनी माँ की खातिर और अपने मुल्क की खातिर, अब तो मुझे जरूर जाना है। उसने दोबारा मेरी तरफ कुछ देर देखता रहा, हैरान भी था थोड़ा। उसके पास वो कैशियर या जो भी था उसका असिस्टेंट वो खड़ा था और सऊदी था, और वो बहुत गुस्सा खा रहा था इस बात, मुझे नजर आ रहा था उसके चेहरे के ऊपर इंतहाई खुशूनत थी। मतलब उसके लिए ये इमेजिनेशन में उनके नहीं आ रहा था कि एक पाकिस्तानी जो है वो उनकी तरफ से इतनी बड़ी ऑफर को ठुकरा रहा है। और मलक, वो बादशाह को मलक कहते हैं, मैं अल्लाह को मलक कहता हूँ, वो बादशाह को मलक कहते हैं, और मलक की खिदमत या मलक की ऑफर को ठुकराना उनके नजदीक एक गुनाह कबीरा लग रहा था। जिस वक्त उसने मुझे कहा इज दिस योर लास्ट डिसीजन, मैंने कहा यस फाइनल यस, तो उसने मुझे कहा कि डॉक्टर जावेद, वो मेरी फाइल उसने बंद की, उसने कहा ओके आई गिव यू 1 ईयर। ये फाइल उसने ड्रार खोला, फाइल रखी, और उसको कैशियर को मेरा पासपोर्ट देते हुए कहता है कि शेड्यूल क्लियर कर दो, और मुझे कहता है कि ये फाइल मेरे पास पड़ी हुई है, आई एम हेयर फॉर नेक्स्ट 1 ईयर, वेन एवर यू वॉन्ट टू कम बैक, वेन एवर यू आर रेडी टू कम बैक, वेन एवर यू रिग्रेट ऑन योर दिस टूडेज डिसीजन, फुलिश डिसीजन, आई विल बी ऑलवेज 1 call away। मैं इसका थैंक यू सर, मैं बाहर आ गया। जब मैं कैशियर के काउंटर पे गया, मुझे 18,000 देना था उन्होंने, जो उस वक्त मैंने 2 महीने कोई काम किया हुआ था, तो उसने मुझे 16,000 दिया चेक। तो मैंने उसे कहा कि 18,000 था। उसने बड़े गुस्से से कहा कि वो अगर तुम स्टे करते तो तुम्हारा पता नहीं 2,000 होता, वो तुम्हारा कट गया। मैंने कभी किस चीज में कट गया, मैंने क्या गलत किया है, और मेरे साथ ऐसी कोई डील नहीं हुई थी, ये तो 2 मंथ्स का लोकम था और ये इसमें इतने पैसे थे। उसने आगे से दोबारा कहा कि नहीं, अगर तुम ऑफर को कबूल करते तो पता नहीं, वो कंटिन्यूएशन के ऊपर था, मैंने उसमें ऑफर लेटर में ये चीज नहीं लिखी हुई थी। तो जिस तरीके से उसने गुस्से से वो पैसे मेरे से फेंके, मैं जाली की दूसरी साइड पे खड़ा था, मैंने पैसे तो पकड़ लिए। मैंने कहा ओके डील मेरे साथ, अकद वो उसको मुआहदे को भी कहते हैं, यहाँ तो हम निकाह को और शादी को कहते हैं। तो मैंने कहा कि उसके मुताबिक तो मेरे पास ये जो पेपर है 18,000 मेरे थे, तो 2,000 रियाल कहता नहीं वो तुम्हें नहीं मिल सकते। तो मुझे लगा कि शायद ये अपने तौर पे जुर्माना डाली जा रहा है, जनरल को भी नहीं पता और ये अपने तौर पे कर रहा है। तो मैंने हक लाल के पैसे थे, जो मेहनत के पैसे थे, उसका वो तरीका मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। तो मैंने कहा देखो हम मुसलमान हैं, मैं नहीं चाहता कि इन 2,000 रियाल की वजह से रोज़े क़यामत तुम लोग मेरे सामने खड़े हो,
तो मैं ये 2000 रियाल आज ही मलक अब्दुल्ला के नाम जकात के तौर पे दे रहा हूँ। तो आप लोग अपने मुल्क में इसको जकात के तौर पे इस्तेमाल करें, तो आपके ऊपर ये बोझ नहीं आएगा। मैं अपनी खुशी से छोड़ रहा हूँ। मुझे अंदाजा नहीं था कि ये कितना बड़ा मैंने ब्लैस्फेमी कर दी है। वो दरमियान में जाली या वो ना होता तो मुझे मार देता, लेकिन वो इतना शाउट किया कि उसने कहा तुम अंदर जनरल के पास आओ। और वाकई बल्कि वो एक सिक्योरिटी गार्ड जो कोई खड़ा था उसे उसने कुछ कहा, तो उसने मुझे कहा जी आप अंदर जाए। मुझे दोबारा अंदर जाना पड़ा और वो बंदा मुंह से झाग छोड़ रहा था। उसने उसे अरबी में कुछ कहा, जनरल ने मुझे देखा, उसने मुझे कहा कि तुमने इसे क्या कहा। मैंने कहा मेरे ये पैसे बनते हैं, ये मुझे 2000 रियाल कम दे रहा है, ये मुझे कह रहा है कि तुम कंटिन्यू नहीं कर रहे, जो कि मेरे साथ ऐसी कोई बात पहले हुई नहीं है। ये काट रहा है तो फिर मैं नहीं चाहता कि रोजे क्यामत ये मुझे हिसाब दे, ये काट रहा है या किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया काट रही है। मैंने इसे कहा कि मैं ये 2000 अपनी खुशी से एज ए मुस्लिम ब्रदर आपको गिफ्ट करता हूं कि जो प्रिंस अब्दुल्ला हैं वो अपनी मुल्क में से ज़कात के तौर पे यूज करें। अब वो फिर झाग छोड़ रहा था, उसने इंग्लिश में कहा कि तुम लोग हमारी ज़कात में पलते हो, तुम होते कौन हो हमें ज़कात देने वाली। तो जनरल ने उसको शट अप कॉल दी, बड़ी देर मेरी आंखों में देखता रहा। उसने कहा कि तुम्हें पता नहीं तुम क्या कह रहे हो, लेकिन तुम जाओ। मैंने कहा ओके। एक अजीब सा स्माइल था उसके मेरे चेहरे पे। उसने कहा कि मेरी 2015 वाली बात याद रखना। मैं दोबारा वापस मुड़ा और मैंने उसे कहा कि मैंने आपसे कहा है कि मैं किसी इंटरनेशनल पावर को नहीं मानता, मैं सिर्फ एक पावर को मानता हूँ, ठीक है, और मेरा मलक, मेरा मालिकुल मुल्क है। अगर उसने पाकिस्तान का 2015 के बाद मैप पे नहीं रखना तो मैं इसे किसी इंटरनेशनल पावर की ताकत नहीं मानूंगा, ये मेरे अल्लाह का फैसला होगा। और अगर 2015 के बाद हुआ तो मैं तब भी अपने मालिक की करम फरमाई ही जानूंगा। उसके चेहरे पे एक अजीब जहर खान सी मुस्कुराहट थी। उसने अपने कैशियर को दोबारा कुछ कहा, क्योंकि वो मुसलसल बुड़बड़ा भी रहा था और करीब था कि वो मुझे मारे, पास उसका पास नहीं चल रहा था। मैं बाहर आया और पाकिस्तान आ गया। 2 माह के बाद यहाँ नौकरी शुरू कर दी सर्विस हॉस्पिटल में। आज तक वहीं हूँ। दुआ सेशन शुरू हो गया, सूरह रहमान लगना शुरू हो गई, हम अपने आप में खो गए। 2015 आया चला गया, 2023 आ गया। मेरा दिल कहता था 2023 एक गोल्डन ईयर होगा, हमारी तरक्की का, हमारी मुल्क की यू टर्न यहाँ से शुरू होगी। लेकिन ये तो अभी की बात है। 2007 में जब मैं वापस आया तो तारिक स्विट्जरलैंड से बच्चों के साथ आया, आई थिंक कामरान की शादी थी, और मैंने इसे यही कहा कि तुम जो अलैन में तुम्हें ऑफर है या तुम वहां जा रहे हो, तुम अपने मुल्क को क्यों सर्व नहीं करते। और यही साइंस जो एपी जेनेटिक्स थी, ये क्लोनिंग, मैंने कल भी बताया था, क्लोनिंग से आप लोगों को समझ आएगी, जैसे डॉली शीप बनाई गई है और क्लोनिंग की गई, उसी लेबोरेटरी में तारिक ने जाके PhD की, FMI जो था, नहीं, अच्छा, मैं कल भी यही बताया, मेरे ज़हन में यही था, वो गलत दास्ता था, अच्छा, लेकिन जैसा कल भी उसी गलत बोल गया, हाँ जी, डॉली क्लोन हुई थी आयरलैंड से, मेरा ख्याल है जितना, ठीक, जितना याद है, ठीक, मैं PhD की थी, जर्जी पाशकोस्की, जैसे दुनिया प्यार से यूरिक, हाँ, यूरिक, यस तो यूरिक दुनिया का वो बंदा था जिसने, ये मुझे भी नहीं पता चला जब तक मैं उसके साथ PhD करके निकल नहीं गया, मुझे पता ही नहीं चला कि मैं इतने बड़े बंदे के साथ काम कर रहा हूँ। वो इतना तो पॉलिश था, इतना प्यारा इंसान, पाकिस्तान भी आया तारिक की शादी में, शादी पे 2000 में आया वो और उसकी बेगम के साथ, एक पोस्ट ऑफ PhD की दे और यश किया। तो यूरिक ने दुनिया का पहला ट्रांसजेनिक प्लांट बनाया था, मतलब फॉरेन जीन प्लांट में डाल के और वो बनाया था। और प्लांट्स में नॉर्मली होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन नहीं होती, मतलब यूं कह ले कि आप कहें कि मैंने जीन बाहर से डालना है, और जीन आप लोग सोच ही नहीं सकते, धागे का ना छोटा सी चीज है, और आप कहते हैं मैंने इस जगह पे जहाँ ये बंदा बैठना है यहाँ पे भेज, प्लांट्स में ये पॉसिबल नहीं, मतलब प्लांट्स में वो इधर उधर चला जाता है।
जाता है, लेकिन वो कहीं आपकी मर्जी की जगह पे नहीं जाता, ठीक है। उसे हम होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन टारगेटेड इंटीग्रेशन कहते हैं। तो यूरिक का जो आगे का काम था सारी जिंदगी इस पे था। यूरिक बहुत बड़ा एक डिस्कवरर था, और मैं आज जिंदगी में जहां पे पहुंचा हूं उनमें से एक उस्ताद यूरिक। मैं जो बोलता हूँ साइंस में, जिस तरीके से मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ मिलता हूँ, उनको कैफेटेरिया में, खाने पीने में, जो लोग जानते हैं, वो मेरे अंदर वो यूरिक है। क्योंकि उसने, मैंने देखा उस्ताद ऐसा होता है, मतलब कमाल। इससे बड़ा क्या उस्ताद होगा कि मैंने पहले हफ्ते उसे कहा कि मैंने ना, हालांकि मैं जिंदगी को भी नमाजें देती पड़ी, मैंने उसे कहा कि यूरिक मेरी ना दिन की 3 नमाजें कजा होती है। तो पहले हफ्ते 1 सितंबर को मैं पहुंचा, और पहले हफ्ते में मैंने उसे कहा, तो उसने कहा देन। मैंने कहा यार मैं लैब में नमाज पढ़ सकता हूँ। उसने बिला तातुल कहा, उसने कहा नहीं लैब में ना पढ़ी, तो ऐसे कहा पोस्ट डॉक ऑफिस में पढ़ लिया, मेरे ऑफिस में पढ़ लिया। तो FMI के लोग गवाह इस चीज के कि मैंने 4 साल सोहर असर और मगरिब के टाइम पे, मैं पता नहीं अल्लाह को की खेलता हूँ, पता नहीं क्या ड्रामा था मेरे से, मैंने वो यूरिक के दफ्तर में भी पढ़ी और मैंने पोस्ट डॉक ऑफिस में भी पढ़ी। और जब मैं PhD कर गया तो तब मुझे पता चला कि मैं इतने बड़े उस्ताद के साथ काम कर रहा था, और इस शख्स का जर्फ इतना बड़ा था कि इसने हमें बताया ही नहीं, कभी शो ही नहीं होने दिया। साइंटिफिक कम्युनिटी में उसे दुनिया डिस्कवरर के नाम से जानती है। वो एट द एंड कैम्ब्रिज में जाके, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में रिटायर हुए हैं 2018 में। जब रिटायर हुए तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने मुझे इन्वाइट किया कि जी आपका PhD मेंटर रिटायर हो रहा है, तो हमने उसकी लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स जो देखे हैं, ठीक है, तो हमने एक जो लिस्ट ऑफ स्पीकर, जो से जो प्रोफेसर रिटायर होता है ना, तो उसकी वो भी हमारे पाकिस्तानियों की तरह खाबे नहीं होते हैं, बड़ी कोई पार्टी शार्टी नहीं होती। वो ये होता है कि प्रोफेसर के स्टूडेंट्स को बुलाया जाता है और स्टूडेंट्स टॉक देते हैं कि हमने क्या किया, हमने इससे क्या सीखा, उसे ट्रिब्यूट पे करते हैं, और उसके बाद हम आज तक क्या कर रहे हैं, ताकि इस शख्स का लगाया हुआ पौधा अब कितना बड़ा। तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से मुझे आया कि जी यू आर वन ऑफ द स्पीकर, सेंट जॉन स्कूल है कैम्ब्रिज का, जो जानते हैं कैम्ब्रिज को जानते हैं कि बहुत बड़ा स्कूल है, ट्रिनिटी और सेंट जॉन, उसमें वो था। तो यूरिक 2018 में फाइनली रिटायर हुआ। कुछ ऐसा पहले मेरी, क्योंकि मैं अपने असातिज़ा को अपने बाप से ज्यादा इज्जत देता हूँ। मेरे यूरिक के बाद पोस्ट डॉक मेंटर रेनातो पारो था, जिसने मुझे फ्रूट फ्लाई, ड्रोसोफिला, डेवलपमेंटल बायोलॉजी, जो काम मैंने पाकिस्तान आके किया, जो पाकिस्तान आके मैंने एस्टेब्लिश किया, जो वर्ड आप यूज करें एपिजेनेटिक्स, पाकिस्तान की पहली लैब, पाकिस्तान का पहला एपिजेनेटिक्स का रिसर्च ग्रुप, पाकिस्तान का पहला बेसिक रिसर्च डिपार्टमेंट, वो अल्लाह ने मेरे हाथ से बनवाया। ये अल्लाह का काम है, मैंने नहीं किया। ना मैं वापस आया, ना कोई इंसान खुद डॉलर स्विस फ्रैंक रियाल छोड़ के आता है। वो जिसके नसीबे में होता है वो उसे ले आता है, तो उसे कहता है चल अभी बंदे का पुत्र बन के आ जाए आराम से, नहीं तो उसके पास और भी कान होते हैं, कान पकड़ के वो खींच के ले गया। तो मैं अपने असातिज़ा को अपने बाप से ज्यादा समझता रहा हूँ थ्रू आउट, ना सिर्फ यूरिक। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में डॉक्टर इब्राहिम होते थे, अभी भी अल्लाह ने जन्नत नसीब करे डॉक्टर साहब को, मेरे डॉक्टर वकार हैं, वो अभी भी उनका फोन आया हुआ था, परेशान सारे। कौसर अब्दुल्ला मलिक साहब कल परसों आए हुए थे। तो मेरी जिंदगी में उस्ताद का बड़ा रोल है, उस्ताद उस्ताद उस्ताद। मैं लम्स में भी अपने स्टूडेंट्स को अब यही सबक देता हूँ कि जो अपने उस्ताद की कदर नहीं ना करता, याद रखना। अपने बच्चों को भी ये कहता हूँ, मोहम्मद यूसुफ के सामने मैं एग्रेसिव हो जाते हैं, मेरे टीचर ने ऐसे कह दिया, तो मैं कहता हूँ कि जो उस्ताद ने कहा वो ठीक है, तुम्हें नहीं अभी समझ। जो बच्चा, जो स्टूडेंट या जो कौम अपने उस्ताद की कदर नहीं करती, वो कौम जिंदगी में बिलियनियर बन जाए, वो ट्रिलियनियर बन जाए, वो कौम कौम नहीं बन सकती। वो कौम तरक्की तो बहुत दूर की बात है, तरक्की बहुत दूर की बात है। हमारे मुल्क में जो कुछ भी आज हो रहा है वो यही है कि हम अपने किंडरगार्टन के उस्तादों को हमने
हमारे जो घरों की मेड्स हैं और जो मुलाजिम और ड्राइवर हैं उनकी तनख्वाहें ज्यादा है किंडरगार्टन के उस्ताद। तो जो कौम अपने असातिज़ा के साथ ऐसे ट्रीट करे कि जी उनकी गरीबों की अपनी बिजली का बिल पे करने के लिए ना हो, और जो स्टूडेंट है वो पराडों में आ रहा है, ठीक है, तो वो कौम के लिए लम्हे फिक्री है कि वो कहाँ पे गलती करती। तो मैं बेसिकली फ्रेडरिक मिशर इंस्टीट्यूट में जर्जी पाशकोस्की, यूरिक पाशकोस्की के साथ मैंने पीएचडी की, और मैं आज जहां तक पहुंचा हूँ साइंस में, पाकिस्तान में भी आके जो थोड़ा ज्यादा काम किया, मैं उसका सबसे ज्यादा क्रेडिट दो बंदों को देता हूँ। एक डॉक्टर इब्राहिम साहब जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में थे, अल्लाह उन्हें जन्नत दी, दूसरा यूरिक पाशकोस्की को। यूरिक ने मुझे, और जब मैंने अपनी पीएचडी डिफेंड की 2003 में, वो ज्यू है, कैथोलिक क्रिश्चियन, यूरिक कैथोलिक क्रिश्चियन, कैथोलिक क्रिश्चियन, और बेगम उसकी वो जर्मन थी, वो जर्मन, तो जब मैंने पीएचडी डिफेंड की तो मुझे याद है मैं खड़ा था, तो एक मतलब डिफेंस एग्जाम के बाद मैंने ही एक वो, ये भी आप लोगों के लिए डिफरेंट चीज होगी कि वहां पे फेयरवेल जो है ना वो नहीं देते लोग, आप अपनी फेयरवेल खुद अरेंज करती हैं कि जी मैं जा रहा हूँ आप आ जाए, तो आप सर्व करते हैं आपकी तरफ से पार्टी होती है, आप पार्टी होते हैं। तो वो पार्टी में यूरिक ने फेयरवेल खिताब में कहा कि भाई मेरे बारे में अच्छे अल्फाज अदा किए, तो उसके बाद मुझे बोलने का मौका दिया, तो मैंने वो तब कहा, मैं आज भी कहता हूँ, और मैंने उसे ईमेल में पिछले दिनों भी लिखा, क्योंकि मैंने कहा मैं अपने साथीदार के साथ आज तक इन टच हूँ, तो मैंने उसे कहा कि मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मैं आपकी लैब में, आपने मुझे मौका दिया, सिर्फ मुझे आपने साइंस नहीं सिखाई, आपको नहीं पता कि मैं आपके साथ और बड़ा कुछ सीख के जा रहा हूँ, और अगर मैं साइंस में, अगर मैं साइंस में कोई बहुत बड़ा काम कर गया तो वो जहां पे भी होऊंगा मैं कहूंगा वो यूरिक की वजह से, उस्ताद का ये रुतबा है था। पिछले दिनों मैंने उसे ईमेल की, ये हार्डली मेरा ख्याल है 4-5 माह भी नहीं हुए, तो मैंने उसे यूरिक को मेल लिखी, यार मैं बड़ी देर नहीं आपका पता किया, कोविड भी गुजरा है, सिर्फ कोविड में एक ईमेल की थी, उसके बाद नहीं मैंने लिखा, क्योंकि वो रिटायर हो गया, वापस पोलैंड चले गए, अजीम इंसान था वो, अपनी वालदा उसकी बहुत बुरी हो गई है, तो वो अपनी वालदा की ड्यूटी करने पोलैंड चला गया, इंग्लैंड भी छोड़ गया, तो मैंने उसे लिखा, तो उसने मुझे लिखा कि तारिक, मैंने उसे लिखा मैं ना लेजी हूँ और मैं कॉन्टेक्ट नहीं रख सका, तो माजरत चाहता हूँ, मुझे उम्मीद है आपकी तबीयत ठीक होगी, ये हो, तो उसका जो आगे से जवाब आया वीरेंद्र, उसने लिखा कि लेजी और तुम, वो तो मानने वाली बात है, तुम लाजमी अपनी साइंस में, अपने किसी रिलीजियस काम में या किसी स्पिरिचुअल काम में बिजी हो गए, मेरे सारे स्टूडेंट बड़े अच्छे थे, मैं बड़ा लकी रहा मेरे स्टूडेंट अच्छे थे, लेकिन तेरे में एक चीज ज्यादा थी, वो जो बाबा जी वाला एंगल था ना, क्योंकि मैंने उन सबको दुआ करवाई थी, मैंने उन सबको 2002 में जब गया तो मैंने सारों को इकट्ठा करके कमरे में, मेरा रिसर्च सेमिनार था, उसके बाद मैंने बाबा जी वाली बात कर दी सूर्य रहमान, तो उसके बाद इन सारों के साथ रहता था, और इसने खुद अपने डिप्रेशन के लिए सुनी थी मुझे यार, तो उसने लिखा कि तुम किसी स्पिरिचुअल रिलीजियस या अपनी साइंस में और अपने स्टूडेंट्स में इतने गुम रहे हो, तो कोई मसला नहीं, मैं ना, मेरी बेटी वियतनाम में है, तो मैं सोच रहा हूँ मैं उधर जाते हुए ना रास्ते में स्टॉप हो गए, तो ये यूरिक था जिसके साथ मैंने पीएचडी की। पोस्ट डॉक मैंने की जर्मनी में रेनातो पारो के साथ, और मुझे याद है रेनातो की लैब में जब बाबा जी गए, बहुत हो गए, तो मैंने सारों को इकट्ठा किया, अच्छा जब आप पीएचडी करें या पोस्ट डॉक करें, आप वेस्ट में जब जिंदगी गुजारते हैं, तो आप जब भी कहीं कोई नौकरी लेने जाते हैं या पीएचडी लेने जाते हैं, पीएचडी में जैसे मैं भी अब यहाँ से करता हूँ, तो वो आपसे रेफरेंस लेटर मांगते हैं, जी लेटर ऑफ रिकमेंडेशन दें कि आप पहले कहाँ थे, पहले लोगों का आपके बारे में क्या तासर, तो मुझे कैम्ब्रिज से ऑफर थी पोस्ट डॉक की, ये जो है एम्बल हाइडलबर्ग से, पूरी दुनिया से, क्योंकि पीएचडी यूरिक के साथ थी, और बड़ी अच्छी थी, अपनी तारीफ इंसान को नहीं करनी चाहिए, मेरे उस्ताद का हाथ मेरे पे था, अल्लाह का करम था, खास अल्लाह का करम था, मेरी माँ की दुआ थी,
मेरी पीएचडी बड़ी सुपर डुपर, तो पोस्ट डॉक मैंने जहाँ की मुझे मिल गई, लेकिन मेरा दिल किया मैं रेनातो के पास करूँ, तो मुझे वो जब मैंने विजिट की लैब, मुझे रेनातो की लैब बड़ी पसंद है। ये मैं प्लांट्स छोड़ के, मैं एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से लेकर पीएचडी तक प्लांट्स में ही रहा, तो मैं फ्रूट फ्लाइज, ये जो केले पे एक छोटी सी मक्खी आती है गुत्ती जिसे कहते हैं, उस पर काम करता, तो मेरा था मैं उसमें काम करना। डेवलपमेंट कैसी होती है, आंख आंख क्यों बनती है, दिल दिल क्यों बनता है, उंगलियां उंगलियां क्यों बनती हैं, क्योंकि ये सारी चीजें जो बनती हैं उन सारों का माखज एक है, वो है एग सेल, माँ के पेट में जो सेल होता है। तो ये सारे जो कुलियात हमारे जिस्म में है, ये सारे के सारे जो है ये उसी एक सेल से बने हुए, इन सारों में एक ही डीएनए। जब सारों में एक डीएनए तो ये मुख्तलिफ कैसे हो गए, तो इस चीज को कहते हैं एपिजेनेटिक्स, कि वो एपिजेनेटिक लेवल पे डीएनए से ऊपर वाले लेवल पे जाके चेंज आते। तो मुझे याद है रेनातो ने यूरिक से ये पूछा कि भाई इस बंदे के बारे में लेटर दो, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन दो, ये बंदा काम में कैसा है। तो मुझे याद है कि यूरिक ने लेटर ऑफ रिकमेंडेशन लिखने में थोड़ी सी देर की, उसे कहा मैं तुम्हें फोन पे बताऊंगा। तो उसने फोन, यूरिक ने फोन पे रेनातो को वो लेटर ऑफ रिकमेंडेशन दिया और अपने ऑफिस से निकल के, मैं तब असर पढ़ के उठ रहा था, तो मुझे कहता है कि तारिक मैंने रेनातो को लेटर ऑफ रिकमेंडेशन दे दी है, ठीक है, और पोस्ट डॉक तेरी हो जाएगी। मैंने उसे बता दिया कि भाई ये सिर्फ साइंस ही नहीं करता, ये और भी बड़ा कुछ करता है, और मैंने उसे तेरी नमाजें और नमाजों से आगे और हर चीज मैंने बता दिया, क्योंकि 9/11 हो गया हुआ था। लेट्स एडमिट कि 9/11 का बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट आया, 9/11 2002 में आई बिलीव हुआ था, ठीक है, और मेरी पीएचडी 2003 में खत्म हुई, ठीक है। तो इन हालात में अगर एक बंदा वहां पे नमाज पढ़ता है, एक बंदा अगर वहां पे इस्लाम की बात करता है, तो लोग मशकूक तो होंगे, ठीक है, और मैं कहता हूँ फॉर द राइट रीजन होंगे ना, क्योंकि दुनिया में एक माहौल ही ये बना दिया गया था कि जी ये मुसलमानों ने किया, या हम जैसे जो नहीं भी थे बेचारे इस तरह की, जो सारे मुसलमान एयरपोर्टों पे भी रोक लिए जाते थे। तो यूरिक ने बड़ा अच्छा रेनातो को लेटर दिया और उसने कहा कि ये इस तरह, ये बंदा साइंस तो अच्छी करता है लेकिन इसके अलावा ये अपनी ना नमाजें नहीं छोड़ता, ये ना सूर्य रहमान का ही बताता है, वो सूर्य रहमान को, क्योंकि उन लोगों को इतना नाम नहीं था लेना आता, तो वो उन सारों ने एक कोड वर्ड रखा हुआ था, वो इसे कहते थे अरेबिक म्यूजिक। तो मैं उन्हें कहता था नहीं, ये कुरान की एक चैप्टर है, मैंने उन सारों को इसका फोटोकॉपी भी करवा के दी, उन्होंने कहा कि हमें बता कि हम क्या सुन रहे हैं, तो मैंने इंग्लिश कुरान मजीद जाके लिया बाजल की मस्जिद से, वो उन्हें फोटोकॉपी करके। तो यूरिक ने एक बड़े ही अच्छे उस्ताद होने के नाते मेरे अगले उस्ताद को हर चीज खोल के बता दी कि यार ये अगर कल को नमाज पढ़ता है या कुछ करता है तो तू घबराई ना, या अपने लोग तेरे ना घबराएं, ये मैं इसके घर भी होके आया हूँ, ये बड़े ही सादा से लोग हैं और कोई इनका ऐसा मतलब चीज जेन में ना रखी तारिक को लेकर। तो मैं फिर 2003 से 2006 तक रेनातो के साथ रहा और मैंने एपिजेनेटिक्स में पीएचडी भी एपिजेनेटिक्स में थी, पोस्ट डॉक भी एपिजेनेटिक्स में थी, लेकिन पीएचडी प्लांट्स में थी, पोस्ट डॉक फ्रूट फ्लाइज में थी। तो मैंने ये सीखा कि आंख सदा आंख क्यों रहती है, दिल सदा दिल क्यों बनता है, दिल का सेल जो है वो आंख क्यों नहीं बन जाता, और दिल आंख वाला जो दिल क्यों नहीं बन जाता। तो हम इसे कहते हैं जीन रेगुलेशन, कि जीन्स कैसे स्विच ऑन स्विच ऑफ होते हैं, सारे सेल्स में एक ही जीन्स है लेकिन कहीं पे कोई ऑन है कहीं पे कोई ऑफ है, और जहां पे आंखों में आंखों वाले ऑन है और दिल वाले ऑफ है,
और दिल में आंखों वाले ऑफ हैं और दिल वाले ऑफ हैं, तो इस मैकेनिज्म को हम कहते हैं एपिजेनेटिक जीन रेगुलेशन। एनीवे ये मैंने किया और मैं आज जिस मुकाम पे हूं वो मेरे असातिजा की बदौलत है, उसमें डॉक्टर इब्राहिम यूरिक पाशकोस्की जिसने पीएचडी की और रेनातो पारो जिससे मैंने पोस्ट डॉक की। 2003 में मैं पोस्ट डॉक खत्म करके रेनातो ही के साथ स्विट्जरलैंड वापस आ गया ईटीएच ज्यूरिख में। मुझे बड़े ही क्या कहना चाहिए जबरदस्त कॉन्ट्रैक्ट दे दिया उसने, विच वाज लाइक एन इंडिपेंडेंट फैकल्टी, उसे वो लोग ओबर असिस्टेंट कहते हैं, आप अपनी ग्रांट भी अप्लाई कर सकते हैं सारा कुछ, और स्विस परमिट भी, रेजिडेंस परमिट, जो मतलब जिसमें जॉब शॉप का कोई जरूरत नहीं होती, आपका परमानेंट वो होता है। तो मैं 2006 से 2009 मैंने ईटीएच ज्यूरिख में गुजारे, और जो डॉक्टर साहब हवाला दे रहे हैं कि 2007 में मैं जब आया वापस, घर आया था वैसे ही छुट्टी पे आया था, यूसुफ भी था मोहम्मद भी था, तो हम इन्हीं के बेडरूम में बैठे थे, तो इनकी हमेशा से नौशाबा के साथ जो मेरी वाइफ है उसके साथ बड़ी एक डिफरेंट किस्म की दोस्ती है, और उसकी भी वो डिफरेंट किस्म की दोस्ती इस तरह की है कि इन दोनों ने आपस में तनक के एक दूसरे को कोई पता नहीं क्या बातें करते, चुपते चुपते टका के सवाल करने होते, और जब तक एक दूसरे से कर ना ले, इन दोनों को इनके पेट में दर्द भी नहीं ठीक होती, इन्हें सबर भी नहीं आता, एक दूसरे से बात भी जरूर करनी, वो इन्हें अपने लिटरली वालिद की जगह लेती है, वालिद से भी बल्कि कई दफा मैंने उसे डांटा है, फिर तूने क्यों बात क्यों की है, तो वो कहेगी तुम कौन होते हो अंदर, तो मैं कहता हूँ फिर मुझे क्यों कह रही है, ठीक है कि जावेद भाई ने ऐसे किया उसका मतलब क्या। तो जावेद भाई ने नौशाबा से बात की कि नौशाबा तुम लोगों का क्या प्लान है, तो उसने कहा कि जावेद भाई मैं तो अपनी, नौशाबा बेसिकली कराची यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट है, बीएस ह्यूमन फिजियोलॉजी, एमएस न्यूरोमस्कुलर फिजियोलॉजी, एमफिल बायोटेक्नोलॉजी, पीएचडी उसने न्यूरोसाइंस में बाजल में की, तो उसका शुरू से न्यूरो ब्रेन उसका फील्ड रहा, और पाकिस्तान में शायद ही कोई बंदा उस दौर में जब वो थी, शायद ही कोई बंदा इस तरह न्यूरोसाइंस में यहाँ तक पहुंचा, तो वो एक अलहदा कहानी है। उसने आखिरी साल में जब थीसिस बंदा लिखता है, पेपर भी आ गया हुआ था, तो उसने पीएचडी छोड़ दी क्योंकि उसके बॉस ने, वैसे किस्सा मुख्तसर, उसके बॉस ने पाकिस्तान के बारे कुछ ऐसी बात कह दी कि वो चार साल से तो बर्दाश्त कर रही थी, उसने कहा अब ये ऊंट के ऊपर आखिरी तिनका साबित हुआ है, वो इस्तीफा दे के घर आ, और उसके बाद उसने कभी साइंस की, मैंने बड़ा कोशिश की कि भाई अब तो पीएचडी करनी है, थीसिस लिखना है, अब तो कोई चीज ही नहीं है, घर बैठ के करो, तो उसने कहा नहीं मैंने बहुत बर्दाश्त किया था, ये इसने बात गलत की, वो यानी एक साइड टॉपिक है। तो उसने जावेद भाई को कहा कि जावेद भाई मैं तो अपना करियर छोड़ चुकी हूँ बच्चों के लिए और तारिक के लिए, क्योंकि अगर मैं भी आगे पोस्ट डॉक करती तो फिर इसने कहीं अमेरिका में होना था, या मैंने अमेरिका में होना था, इसने यूरोप में होना था, तो आप ही ने एक दफा मुझे एडवाइस किया था, कोई पुरानी इनकी आपस की बात ही मुझे अक्सर बताती है कि वो जावेद भाई ने बड़े टाइमली बड़े तरीके से उन्हें एडवाइस की कि ये अर्लियर मीटिंग्स थी कोई 2003-04 की इनकी आपस की, जब वो पीएचडी में ही थी अर्लियर टाइम में। जावेद भाई ने उसे कहा कि बहरहाल नेचर इज द बेस्ट मैगजीन, ये एग्जैक्ट वर्ड्स है, क्योंकि नेचर वो साइंटिफिक मैगजीन है जिसमें मैं भी मरा जाता हूँ कि मेरी पब्लिकेशन आए, मैंने जिंदगी में नाक रगड़ा नहीं आई मेरी आज तक, ठीक है, जमा बड़ी दफा करवाई है, उस क्वालिटी की साइंस की है हमने, अल्लाह ने करवाई है, अल्लाह करवाता होता है बंदा नहीं करता होता। तो हम सारे ने जब भी कोई साइटेशन देनी होती है ना, किसी चीज का हवाला देना होता है, हम कहते हैं ये नेचर में पब्लिश हुआ है या साइंस में या सेल में, ये दुनिया के टॉप के जाना, तो नेचर अक्सर कोट होता है। तो डॉक्टर साहब ने नौशाबा को कहा कि बहरहाल नेचर इज द बेस्ट जर्नल, डू यू एग्री, उसने कहा जी
अब ये मैं इसे कहता हूँ ये साइंटिफिक मार्फत में बात कर रहे थे, तो मैंने कहा कि कभी नेचर के अगेंस्ट ना जाना। तो उसे ये बात समझ आ गई, उसने बाद में मुझे भी बताई। अब मैं कहा यार जावेद भाई को क्या पता है, ठीक है तू साइंस कर, मैं भी साइंस करने जा रहा हूँ, आई वॉन्ट टू बी अ प्रोफेसर समवेयर इन MIT, Stanford, Harvard one day, inshallah ta'ala. And you know, you fulfill your dreams and you know, let's have a full-fledged scientific life. And you know, Nushaba, we'll see when to have kids. Bachchon ki bari jo hai na, hum kahin, jab tenure mil jayega na, tab jaake bachche bhi aa jayenge, gora bhi tab hi karta. Lekin Nushaba ki walida ki bhi tarbiyat badi, agar main unhe credit na, unki bhi badi achhi hai. तो जब नौशाबा को डॉक्टर साहब ने 2007 में कहा कि तुम लोगों का प्लान का है, तो उसने कहा जी मैं तो तुम्हारी गल फाड़ ली सी, ए जे मुहम्मद ए जे यूसुफ ते ए जे बंदा तुम्हारा तुम्हारी भरा है, मंदा है किसी की नहीं, करता है हमेशा अपनी है। तो जावेद भाई इतने तो कुछ है नहीं, इस मुल्क च कुछ भी नहीं है, यह बंदा इतने आके की करेगा, भरा तुम्हारा है लेकिन मैं तुम्हें दस दिनी हाँ कि मैं ही हाँ जी बर्दाश्त कर दी, तो इनू पाकिस्तान कौन आके बर्दाश्त करेगा, इसे नहीं किसी ने करना। ये बड़ा ब्लंट है, बहुत ही वोकल है, तो यहाँ पे फिर वो साइंस भी नहीं। जावेद भाई ने नौशाबा को कहा कि देखो अभी तुम लोग यंग हो, अभी तुम लोगों को एहसास नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हारा बैंक बैलेंस भी बन जाएगा, तुम लोग ना बड़े बड़े प्रोफेसर भी बन जाओगे, लेकिन ये जिनके नाम तुम्हें मोहम्मद और यूसुफ रखे हैं ना, ये तेरे नहीं रहेंगे शायद, और अगली नस्ल शायद तुम्हारी ना हो। काफी इन्होंने बंदे को, बंदा भाजी स्विट्जरलैंड रहा हो, पुरसकून जिंदगी गुजारता हो, कोई याद कराए कि तू वापस आया, ये गल सौखी नहीं है। मैं कल जो डॉली का बताया, मैं अभी भी डॉक्टर तारिक ने आप लोगों को एपिजेनेटिक्स के बारे में बताया, मुझे डॉक्टर होते हुए उस वक्त भी जेनेटिक्स का बहुत ज्यादा उसकी फर्दर डिटेल्स का नहीं पता था और आज भी नहीं पता। तो जब इसकी सिलेक्शन हुई थी PhD के लिए, तब मैंने जरूर इसको पूछा कि क्या करने जा रहा है, मुझे अब याद पड़ता है कि बहरहाल इसने मुझे समझाने के लिए डॉली ही की एग्जांपल दी शीप की, और मैं यही समझता रहा, बाद में मैंने उसे यही परसीव किया कि वहां डॉली बन रही है और वहीं डॉक्टर साहब PhD करने जा रहे हैं। उसी से याद करें, मैं करेक्शन कर देना। जब इन लोगों ने मुझे पूछा, क्योंकि हमारे घर में कोई भी बंदा इस तरह मोलेक्युलर बायोलॉजी 97-99 में पाकिस्तान में नापैद था, अभी भी कोई नहीं है, मैं आपको बताऊं हम अपने आप से फ्रॉड कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, हम बायोटेक्नोलॉजी करा रहे हैं, हम ये करा रहे हैं, हम अपनी कॉम से भी फ्रॉड कर रहे हैं, हम जगह जगह डिपार्टमेंट बनाए। तो डॉक्टर साहब ने मुझसे 97 में पूछा जब मैं मास्टर्स में गया कि क्या कर रहे हैं, फिर जब 99 में PhD होगी, तो उन्होंने कहा यार उतने जाके की करेगा, क्या करोगे वहां जाके आप, मतलब PhD किस चीज में। तो मैंने डॉक्टर साहब को अब DNA समझाने के लिए, क्योंकि उर्फे आम में बंदा आसान चीज समझाता है, जैसे मैं मां जी को भी जब समझाता हूँ कि DNA क्या, तो मैं कहता हूँ वो जी धागा होता है, जैसे आप नलकी का धागा है ना, इसी तरह हमारा इस पे जीन होते हैं। तो डॉक्टर साहब को मैंने डॉली का बताया कि जी ये, क्योंकि डॉली सारी दुनिया को पता थी, डॉक्टर साहब को भी पता है, तो मैंने कहा जी ये फील्ड होगा और मैं जीन क्लोनिंग और ये चीजें DNA वगैरह क्लोन छोटा मोटा तो हमने निबजी में सीख लिया था, निबजी वॉज द प्लेस विच ओपन द डोर ऑफ DNA साइंस फॉर मी। तो मैंने कहा यार वो अब बहुत हाई लेवल का काम होगा, बेसिक रिसर्च होगी और ना उसका बेसिक जो प्रेमिसेस है उसकी जो सॉरी डोमेन है वो यही है, क्योंकि मोलेक्युलर बायोलॉजी में मोलेक्युलर मींस मॉलिक्यूल्स, DNA प्रोटीन, तो वो डॉली क्योंकि DNA से बनी थी, तो वो मैंने डॉक्टर साहब को वो बताया, मतलब थोड़े आपके जेन में वो जेन में यही था, तो वो उसी लैब में आप जा रहे हैं। खैर नौशाबा से भी बात हुई, इनसे भी हुई, मैं एक बड़ा भाई हूं ना, चंद साल बड़ा इनसे, और बिहेव ऐसे कर रहा था, लोग आजकल बाप की भी इतनी बात नहीं मानते, तो वाले साहब हमारे बहुत सख्त थे, बहुत डिसिप्लिनेरियन भी थे,
और अल्लाह ने उन्हें इल्म भी बहुत कुछ दिया था हर चीज़ का, मैं पैदल था इन चीज़ों में। वालदा मेरी वैसे अंग्रेज के दौर थी, पांचवी जमात पढ़ी हुई गाँव की, लेकिन बहुत से पढ़ों से बेहतर थी। आज के कहती होती कि थोड़ा प्यो सी गवर्नमेंट कॉलेज है मेरे पास, मैं उदे ना गुजारा किया है। तो प्रोफेसर साहब भी कान देते थे, लेकिन वालदा ने हम लोगों को पाला इन कामों के लिए। मैं था या बाजी थी जो छोटों को चेक देते थे क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे, और इस फील्ड का मुझे कख पता नहीं था ये क्या कर रहा है। और कहने को घर में सबसे बड़ा साइंटिस्ट मैं था, डॉक्टर साढ़े मुल्क थे, डॉक्टर ही साइंसदान होता है, तो मुझे इसके फील्ड का ही नहीं पता था। इसने खैर मुझे जो भी समझाया, और मुझे था कि पता नहीं कहाँ स्विट्जरलैंड और क्या, ना मुझे कोई इलम था इन जगहों का। उस वक्त ये नेट भी इतना नहीं था कि आप बैठें गूगल पे डालें, बस बहरहाल एक सिर्फ बड़ों वाला चेक था कि मुझे ये सही तरह बताया कि हम ही फ्रॉड में तो नहीं यूरोप भाग रहा और वहां जाके ये हथू निकल जाए मुंडा, पता नहीं कहड़े चक्कर से जा रहा है। वो इसने मुझे समझाया समझोया, तारिक पे या मेरा छोटा बेटा लू है, ये दोनों जिस तरह के बच्चे हैं इनके ऊपर इनके स्टाइल की वजह से खाम खास शक ही रहता है ये क्या फ्रॉड लगा रहे हैं, इन्होंने बात जो बतानी होती है इनके चेहरे से लगता है कि ये कोई जो है ना बात छुपा रहे हैं, हालांकि दोनों बेचारे सच बोल रहे होते। तो वो मैंने चेक दिया, मुझे याद रही वो बात। लेकिन 2007-08 में जब मैं खुद आ गया और सर्विसेज ज्वाइन किया, और मुझे थोड़े अरसे बाद ही पता चला कि मैं तो फैकल्टी या टीचिंग पोस्ट पे हुई नहीं हूँ, और जिधर आ गया हूँ ये बस इधर ही कोई सीट्स बनेगी, क्रिएट अगर की जाएंगी, जो मुझे नहीं समझ आई कि अगर डिपार्टमेंट बनाया गया तो वो सीट्स क्यों नहीं क्रिएट की गई। तो हम दोनों, और मजर बेचारा भी मेरे साथ आ गया, बहरहाल उसने आगे फर्दर डिग्री शुरू कर दी। मैंने इसको वार्न किया कि तुम अब वहां से आ रहे हो, तुम्हें ऑफर्स हो रही हैं डिफरेंट जगह से, और दुबई वाली मुझे जब इसने बताई, एलैन गया भी और वो सारा देख के आया इसको, वहां कुछ जर्मन साहब थे जो वीसी थे शायद, डीन उनका डीन थे, और उन्होंने इसको बताया कि देखो ये मेरे पास दो गाड़ियां हैं, मैं वहाँ एक छोटे से अपार्टमेंट में जर्मनी में रहता हूँ, और ये लोग इनके पास बहुत पैसे हैं, तो छट परे बस तू आ जा। यानी वो तारिक को एक किस्म का कन्विंस कर रहा था, जिसने हंस के मुझे बताया कि उसकी अप्रोच गोरे की ऐसे थी, वो कह रहा था कि देखो यहाँ मेरे पास BMW भी है, मर्सिडीज भी है, और इतना बड़ा विला है, और तुम भी चंद दिनों में आ जाओगे। प्लस वो क्लास रूम में तारिक को बैक डोर से लेके गया, जिसमें तारिक ने देखा कि उस क्लास रूम में पीछे जो बच्चे बैठे हुए थे वो कार्ड्स खेल रहे थे, पता नहीं क्या खेल रहे थे, और चंद खवातीन लड़कियां जरूर इंटरेस्टेड थी आगे बैठी हुई थी, लेकिन वो भी चंद। तो तारिक बड़ा परेशान हुआ कि इन लोगों को अगर मैंने पढ़ा रहे हैं, मुझे नहीं पता किस लेवल की वो स्टडीज थी, मास्टर्स थी या PhD थी, BS फाइनल ईयर, फैकल्टी ऑफ मेडिसिन एंड हेल्थ साइंस, लेकिन सैलरी इतनी ज्यादा थी कि 35,000 दिरहम, 35,000 दिरहम उस वक्त 2007 तो इधर उन्हीं दिनों में लम्स में एड आई हुई थी, और इसने इधर मेरे कहने पे जोर देने पे अप्लाई किया, और लम्स ने नया नया स्कूल ऑफ साइंसेज बनाया था, तो इसकी किस्मत अच्छी या बुरी ये मेरे सामने ये जिक्र कर बैठा जो मेरे इल्म में नहीं था, कि बाबा जी ने एक बार यहाँ से गुजरते हुए मुझे कहा था कि तू उसी स्टाइल में जिस तरह बाबा जी बात करते होते थे, और तूने सारी उम्र बाहर ही बैठ रहना, पाकिस्तान को तेरा क्या फायदा है, तूने इधर आ, तू इधर आ जा ये लम्बस शम्बस में। तो इसने आज के उन्हें बताने की कोशिश की कि बाबा जी आप कितनी बार बताया कि ये इधर तो साइंसेस है ही नहीं है, ये तो बिजनेस ऑफ स्कूल ऑफ बिजनेस है, तो बिजनेस स्टडीज पढ़ाई जाती है। उन्होंने कहा वो भी सब कुछ हो जाएगा, तू आ तो सही बेटा, बाबा फकर इरादे का नाम है, तुम इरादा करो, और ये बात खत्म हो चुकी थी। अब इसने जब मुझे ये बताई बात, मैं इसके पीछे पड़ गया कि जब लम्स में ऑफर है तो तुम आ जाओ। ये मुझे बताना शुरू हुआ कि अगर वहां पे उस वक्त पाकिस्तानी 40 लाख रुपए की ऑफर थी, हर चीज बाकी फ्री, घर और हर चीज गाड़ियां, तो यहाँ पे शायद 2.5 लाख रुपए की ऑफर थी, और वहां उनके पास हर तरह की लैब थी, इसने कहना था और जो मर्जी आएगा। मैंने इसे कहा कि तुम इस तरह करो कि इन लोगों को ये कहो कि मुझे लैब इस लेवल की चाहिए और उसमें ये पैसा चाहिए, तुम पाकिस्तान में बेसिक रिसर्च जो है ना वो होनी चाहिए। मुझे कहे जावेद भाई इधर किसी ने पैसा नहीं लगाना। मैंने कहा तुम बात करके देखो। मैं आज तक सैयद बाबर अली साहब से मिला तो नहीं हूँ, ये उनका बड़ा तारीफ भी करता है, और सलमान दाऊद साहब की, रजाक दाऊद साहब की, लेकिन मुझे नहीं पता कि इसकी उनमें से किससे बात हुई, लेकिन इसने उन लोगों के सामने उस लैब की अपनी शरायत रख दी जो उस वक्त 1-2 करोड़ में बननी थी, खुर्रम अफरीदी थी, खुर्रम अफरीदी। मैंने उसने बजट भेजा जो पहले 15 करोड़ का बजट था। बहरहाल तारिक साहब के गोडे गिटों में बैठ गया, तारिक साहब अलैन अमरीका UAE स्विट्जरलैंड जर्मनी की फजाएं छोड़ के पाकिस्तान आ गए लम्स, और यहाँ इन्होंने ये लैब स्टैब्लिश की बायोलॉजी की, इज फाउंडिंग चेयर देयर, फिर ये हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रहा,
फिर इसने कुछ साल पहले खुद से छोड़ दिया। इसके साथ हमेशा माशाल्लाह 8-10 प्रोफेसर हैं, मेरे से 1000 गुना ज्यादा काबिल प्रोफेसर माशाल्लाह। तो एक पूरा डिपार्टमेंट इसने एस्टेब्लिश कर लिया। अब इसके स्टूडेंट्स ये बाहर भी बीएससी करके ही अमेरिका में डायरेक्ट पीएचडी प्रोग्राम्स में भी लिए गए, यहाँ पर भी इन्होंने पीएचडी शुरू कर दी। यार एम आई राइट, वो जेड़ा सी ना एक्चुअली सो द ट्रुथ इज सो आई हैड एन मुझे ऑफर अलैन से आ गई और बहुत बड़ी ऑफर, मतलब वो पानी का एक समंदर था पैसे का। तो मतलब 35,000 दे रहा हूँ टैक्स फ्री सैलरी, $10,000 जब आप लैंड करेंगे आपका घर डेकोरेट करने के लिए, और 3 बच्चों की एजुकेशन अलैन इंटरनेशनल स्कूल। वो मुझे उस डीन ने बताया, मुझे नहीं पता इफेक्ट है कि नहीं, मुझे उस स्कूल में उसने दिखाया ले जा, क्योंकि वो मुझे चाह रहा था बंदा ना जाए, वो सारे गोरे थे वहां। उसने कहा यहाँ पे ना बेनजीर भुट्टो के बच्चे पढ़े अलैन इंटरनेशनल स्कूल, तो 3 बच्चों की एजुकेशन 18 साल तक फ्री होगी। ठीक है, हमारे 2 थे तब। तो साथ उसने कहा कि एवरी ईयर घर की जो है ना तुम लोग की फैमिली सारी की एयरफेयर मिलेगी, तो क्योंकि हम तुम्हें स्विट्जरलैंड से ले रहे हैं, तो स्विट्जरलैंड की टिकट जो है वो दुबई से ज्यादा कैश होती है। ठीक है, ज्यादा पैसा बनता है एज कम्पेयर टू पाकिस्तान टू दुबई। ठीक है, तो ये कैश भी करवाया जा सकता, तुम नहीं जाओगे तो तुम ना वो एवरी ईयर अपने 4 टिकटें कैश करवा दिया था। ये चीज थी जो मुझे ना, मुझे ये इखलाकी तौर पे बहुत बुरी लगी, क्योंकि हमारे बहरहाल हम जैसे भी हैं, मैंने अभी बताया ना मेरे जो असातिज़ा है ना, मेरे उस्तादों की मेरी तरबियत और मेरी माँ की तरबियत कि पुत्र मर जायो झूठ नहीं बोलना, और जब किसी से कमिटमेंट कर लो तो फिर मर जाना, कमिटमेंट से पीछे नहीं हटना, और झूठ या चीटिंग नहीं करनी। माँ जी का मतलब जो रोल रहे ना, ये दुआ है, खास दुआ है माँ की हमारे पीछे, जिसकी वजह से हम यहाँ तक पहुंचे। अब ये एक बंदे की गुट्टी में हो कि चीट नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, ते जनाब किसी धोखा ना दे, ठीक है आपे धोखा तो भावे खा लो मासूम बन के। तो उसने जब मुझे कहा ना कि तू टिकटें कैश करा ली, हम तुझे यहां से वहां कर रहे हैं, तो मेरे दिल में ना एक दुख हुआ, क्योंकि उसने मुझे कहा तारिक दिस इज द प्लेस टू रेज योर फैमिली, बच्चे पालने हैं ना तो इधर तू अलैन में आ। और वाकई अलैन बड़ा प्यारा शहर है, छोटा मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग की इजाजत ही नहीं है, क्योंकि शेख जायद की वालदा का वो सिटी है, तो वो अलैन का मतलब बाग, वो अभी भी बाग की तरह ही। उसने कहा इधर से 2 घंटे पे शायद फजेरा बीचेस है। ठीक है, तो उसने कहा ये हम सारे देखना जब वहां पे रिटायर होने वाले होते हैं हम यहाँ आ जाते हैं। उसकी वो चीज मुझे खा गई कि यार ये मुझे चीटिंग करना सिखा रहा है, ये मुझे कह रहा है कि तू तेरा घर पाकिस्तान में है लेकिन टिकट के लिए तू स्विट्जरलैंड पे कर रहा है, ये कैसी जगह। और ये जो मेरे भाई हैं सारे माशाल्लाह, ये बखुशी इन लोगों को रिक्रूट कर रहे हैं, और ये वो गल्फ जीसीसी स्टेट्स का, गल्फ स्टेट्स का वो टॉप रैंकिंग मेडिकल कॉलेज है अलैन का। तो मैं लम्स को जब अप्लाई किया हुआ था, तो जब मेरे पास अलैन की ऑफर आ गई, तो फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि लम्स अभी मुझे रिक्रूट करने में कोई इंटरेस्टेड नहीं था। लम्स का उस टाइम पे माइंड सेट ये था कि हमने तो MIT स्टैनफोर्ड से कम का प्रोफेसर, यानी जिसकी PhD MIT की हो या स्टैनफोर्ड की हो, वो जैसे जो भी इन्हें करने वाला था। तो जब मैंने अपनी अलैन से ऑफर भेजी, तो हमारे स्कूल की लम्स का जो स्कूल ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग है ना, इसकी जो सबसे प्यारी चीज बाबर साहब ने की ना, वो इसका एडवाइजरी बोर्ड, वो दुनिया के बड़े बड़े प्रोफेसर उस एडवाइजरी बोर्ड पे बैठते हैं, और ये 2002-2003 से है। अब यहां से आप सोचें कि वो जो बाबा जी ने कहा 2002-2003 में के लम्स, और मैंने कहा जी इधर साइंस नहीं है, तो अगर आप स्कूल ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग की हिस्ट्री देखें तो इसकी पहली मीटिंग जो है वो शायद MIT में अमेरिका में 2002-2003 में हुई, और बाबर साहब ने
MIT का जो प्रेसिडेंट था उससे मिलके, और जो पाकिस्तानी एक बहुत काबिल बंदा है, बहुत ही काबिल बंदा है, जिसने हमें मतलब वो इसका SSC, उसका ब्रेन चाइल्ड कैलटेक की PhD, आजकल कॉर्नेल में प्रोफेसर खुर्रम अफरीदी, ये जो जो कुछ हुआ इसमें भी उसका मुझे अभी कुछ दिन पहले फोन आया था, बड़ा अफसरदा था। तो खुर्रम ने वो पूरा एडवाइजरी बोर्ड बनवाया था बाबर साहब को कह के, और वो 2002-03 में ही काम शुरू हुआ स्कूल ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग। जब कहीं बाबा जी इधर मुझे गश्त पे या इस्लामाबाद में 24 कंधे साहब के घर ये बातें कर, ये तो क्या हमारी पागलों की बातें है ना, ये दुनिया को नहीं समझ आ रही कि आपको ये सारी बातें बताने का मकसद ये है। मैंने ज़रा गाल कंप्लीट कर दो। जी जी। और जब मैंने ऑफर भेजी तो मुझे याद है मैं एक दिन के लिए, तब बीन होते थे असद आबदी ने मुझे बुलाया, उसने कहा हम टिकट देंगे तुम एक दिन के लिए आओ, तुमने अभी अलैन की ऑफर नहीं कबूल करनी, क्योंकि बाय दैट टाइम मेरा जो डॉजी था, जो मेरी वो पूरी एक थद्दा होता है जब आप प्रोफेसरशिप के लिए अप्लाई करते, वो एडवाइजरी बोर्ड ने देख लिया हुआ। एडवाइजरी बोर्ड ने कहा कि उनके एक बंदे थे उबैद सिद्दीकी साहब, वो बड़ा साइंटिस्ट था, इंडियन थे, वो खुद भी उन्होंने फ्रूट फ्लाई पे काम किया हुआ था, मेरे जैसे ही काम, उन्होंने इन्हें कहा कि दिस इज द मैन विच यू शुड नॉट मिस, और बाकी भी जो एडवाइजरी बोर्ड के बंदे थे उन्होंने कहा इस बंदे को ना जाने देना, इस बंदे यही तुम्हारा एस्टेब्लिश करेगा, पता नहीं इनकी, आप ये मुझे बाद में इन लोगों ने बताया। बहरहाल मैं आया इधर और हम दोनों की मुलाकात हुई, और आपको याद होगा कि मैं जब पाकिस्तान आया करता था ना, तो हो ना हो मैंने जाहिर शाह साहब को मिलना होता, तो मैंने कहा यार मेरी मीटिंग है लम्स में शाम 5 बजे, तो उससे पहले ना मैं बड़ी को मिला, ठीक है? आपने कहा चले आ, तो आप ही गाड़ी पे लेके चले, और हम जाहिर शाह साहब के पास गए, वहां से आए वापस, तो आपने मुझे यही कहा कि यार गल सुन, जिनी गल तेरी हुई है ना मेरे नाल, वो पैगाम तेनू है कि तुम अपना बजट डिस्कस करो, तुमने जो दुनिया में सीखा है वो आके यहाँ पे एस्टेब्लिश करो। तो मैंने आपको कहा जी मैंने तो ना अपना रैंक डिस्कस किया इनसे कि मुझे किस रैंक पे लेके आएंगे, ना मैंने सैलरी की है, तो आपने बार बार मुझे लम्स ड्रॉप करते हुए मुझे कहा कि अपना बजट बजट, और तुम्हारा बजट कितना है, ठीक है? और यही फिक्रा जाहिर शाह साहब वो लंबी वॉक पे थे, सात दिनों में अलैन में जवाब देना, तो आप मुझे ये बजट है मेरा, जो एक एक्सेल शीट थी बहुत बड़ी मैंने बनाई थी, क्योंकि अमेरिका में भी अप्लाई करा था, मुझे अमेरिका से भी ऑफर थी, उन्होंने मुझे अपना बताना अच्छा नहीं लगता, अमेरिका से भी उन यूनिवर्सिटी से ऑफर थी जहाँ पे शायद कोई भी इंसान ख्वाब देख सकता है कि हम उधर चले गए, ठीक है? तो मुझे याद है जब मैं वापस जा रहा था, अगले दिन सुबह सुबह मेरी फ्लाइट थी, मैं बस टच डाउन करके वापस जा रहा था, तो खुर्रम अफरीदी का मुझे फोन आया था, आपियतिया के फोन पे आया, क्योंकि आपियतिया का फोन मेरे पास होता था ना, इधर आता था, मेरा तो अपना फोन चलता नहीं था, तो आपियतिया ने मुझे एक टेक्स्ट किया, मैं सुबह सुबह 5:30-6 बजे एयरपोर्ट पे बैठा था, तो आपियतिया ने टेक्स्ट किया, उस पर लिखा हुआ था Call me if you are still in Pakistan. अब मैंने क्या किया, मैंने कहा अच्छा आप ही खैर हो सही, आप ही परेशान हो गई है, मैं बड़ा परेशान हो गया कि क्या हो गया, मैं दौड़ा दौड़ा गया, उस दौर में वो कार्डों वाले फोन होते थे कि जी ये ले, मैं गया उसके पास है, पर उसने जनाब कॉल, मैंने कहा आप ही खैर है, क्या हो गया? आपने मुझे कहा कॉल मी इफ यू, कहती है नहीं नहीं ये जो तुम मेरा नंबर रखते थे ये इस नंबर से फोन आया, और तुमने मेरे फोन में ये खुर्रम अफरीदी के नाम से किया। मैंने कहा मेरे पास खुर्रम का नंबर नहीं है, मुझे नंबर दे, इन्होंने मुझे खुर्रम अफरीदी का नंबर लिखा, मैंने फौरन वहीं से खुर्रम को फोन किया, तो खुर्रम पीछे वॉशरूम में खड़ा वो शेव कर रहा था मुझे, उसने कहा मैं बाबर साहब के पास जा रहा हूँ तारिक, प्लीज 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 तुमने अभी अलैन को हाँ नहीं करनी, और हम कोशिश करेंगे यार, हम अलैन जितनी तनख्वाह नहीं दे सकते, लेट्स बी वेरी क्लियर, हम तुम्हें अलैन जैसे पैसे नहीं दे सकते, हमने तारीख बड़े दिए तो हम तुझे 2-2.5 लाख दे देंगे, इससे ज्यादा नहीं, तुझे वहां 35,000 दिरहम मिल रहा। दूसरा उसने कहा कि हम उतना पैकेज भी नहीं दे सकते जो साइंस का, तो यार हम ना
थोड़ा सा मैं कोशिश करता हूँ बाबर साहब को कहकर, तो रैंक हम तुझे एसोसिएट प्रोफेसर, तो मुझे याद है मैंने उसे कहा, अंग्रेजी में मेरे मुंह से निकला, मैंने देखा कि मैंने क्या तुमसे तनख्वाह और उदे की बात की है, इसकी तो मैं बात ही नहीं कर रहा, मुझे लैब के लिए दो, मैं इस मुल्क में वो करना चाहता हूँ जो हमारे मुल्क में नहीं है, और इस मुल्क में एक दुनिया का बड़ा डिपार्टमेंट बनाना चाहता हूँ। तो उसने कहा तुम हमें सिर्फ 7 दिन दो, मैं तुम्हें अगले 7 दिन में फोन करूँ। मैं कहा मेरे पास भी 7 दिन ही है। और 3 दिन बाद उसका फोन आ गया और आफरीन है सैयद बाबर अली साहब को, मैंने शायद जितने मांगे थे ना 2009 में, उन्होंने आज तक इस मुल्क के लिए, इस यूनिवर्सिटी पे तो जो लगाई लगाया, अल्लाह ने उनसे एक बहुत बड़ी ड्यूटी दी है। सर आप ड्यूटी के बंदे तो हंसते जा रहे थे, कहते हैं अल्लाह का करम है, मैं कहा नहीं अल्लाह ने बड़ी बड़ी ड्यूटी दी। मैंने उनसे अगर 1 रुपया मांगा था ना 2009 में, उन्होंने आज 14 साल हो गया, उन्होंने इस मुल्क में सिर्फ एक डिपार्टमेंट की बात करो, मैंने अपने अभी मैं बाकियों की तो बात नहीं कर रहा, और हमारे जो स्कूल ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग है उसके नाम पे लिखा भी ऊपर सैयद बाबर अली स्कूल ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग, उन्हीं के नाम पे लम्स ने किया। मैंने अगर 1 रुपया मांगा था ना तो उन्होंने 1000 रुपया दिया आज तक, और ये चलता जा रहा है। अल्लाह का कोई गेम प्लान ऐसा है, अल्लाह का बड़ा SSC या स्कूल ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग, यहाँ सारे पागल हैं, मैं एक नहीं हूँ, मैं तो बड़ा छोटा सा हूँ उनको उन सारा। फिर हमने उसके बाद जो टीम रिक्रूट की ना, हमें एक फैसला कर लिया कि हर आने वाला बंदा जो है ना वो पिछले से बेहतर होगा। तो दुनिया में एक अच्छा इदारा, एक अच्छा डिपार्टमेंट, जो लोग भी जो यंगस्टर्स सुन रहे हैं मेरी बात याद रखना, दुनिया में तुम कहीं पे भी हो, जब भी तुमने एक बंदा अगला रिक्रूट करना है वो पिछले से बेहतर होना चाहिए। तो मैंने अपने से बेहतर लाया, जो अगला आया वो उससे बेहतर लाया, जो उससे आया उससे आज माशाल्लाह 10 प्रोफेसर हैं, और अल्लाह ने हमसे इस मुल्क का अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा सोना एक साइंस के मैदान में छोटा सा काम करवाया। एक काम जो मैं लाजमी बताना चाहूंगा, जब मैं 2009 में वापस आ रहा था जिनीवा एयरपोर्ट से, हमारी फ्लाइट थी, बाइंडर खोल दे ये तंग करे लग, मैं यूसुफ नु बुलाया सी थोड़ा सा लूज करते हैं लग रहा है, यू आर गेटिंग डिस्टर्ब। तो जब मैं थोड़ा सा लूज कर लिया, स्विट्जरलैंड से मैं जब आया तो मुझे याद है हमारी जो वापसी की फ्लाइट थी ना वो जिनीवा से थी, हम बाजल में रहते थे, बाजल से स्विट्जरलैंड मतलब जिनीवा कोई 3 घंटे की बाई ट्रेन होगी, फिर हमने एयरपोर्ट पे आना था। मोहम्मद यूसुफ थे हम रास्ते में, ट्रेन का सफर था, बेंड कर सकते हैं हल्की नहीं, ठीक है ठीक है। तो मुझे याद है रास्ते में वो पिछले 10 साल की एक फिल्म चल रही थी, हम स्विट्जरलैंड की सारी खूबसूरत ट्रैक से गुजर रहे थे, एक कोने पे बाजल है तो दूसरे पे जिनीवा, तो अल्लाह वो दिखा रहा था, लेकिन उसके साथ दिमाग में चल रहा था आगे क्या करना है आगे क्या करना है आगे क्या करना है। तो मैंने सोचा, मेरे दिल में अल्लाह ने डाला, जो मैंने कभी किसी से डिस्कस किया सिवाय एक दो बंदों के डिपार्टमेंट में, मैंने कहा कि मैंने अगले 10 सालों में ना अपने जैसे, अपने से भी अच्छे ना, कम से कम 100 बच्चे दुनिया की टॉप की यूनिवर्सिटी में भिजवाने हैं, जो इंडियंस, कोरियंस, अमेरिकन्स, चाहे वो ऑक्सफर्ड से है, कैम्ब्रिज से है, हार्वर्ड से है, उन बच्चों को कम्पीट करके मेरे स्टूडेंट्स ना PhD में जाएं। तो क्योंकि इसका मैं आपको बताता हूँ उसकी वजह क्या, हमारे पास उतने रिसोर्सेज नहीं है, उतने पैसे नहीं है, हमारी गवर्नमेंट के पास उतनी, और हमारे पॉलिसीज ऐसी नहीं कि हम उस लेवल के बच्चे, एक PhD स्टूडेंट अपनी PhD में कम से कम $1 million यूज कर लेता है। तो मैं सोच रहा था कि मैंने $100 million ये बच्चे जाएंगे तो $100 million इस मेरे मुल्क में लगेगा, कल को ये मेरी तरह कोई पागल होंगे, इनमें से 5-10 तो वापस आ जाएंगे, तो ऐसे ही 365 डिग्री घूमेगा, 360 डिग्री पहिया घूमेगा, ये मुल्क आगे चलेगा। और मुझे याद है नौशाबा ने मुझे एयरपोर्ट पे पूछा, बार बार इसने पूछा क्या सोच रहे हो, मुझे पता था इसके अपनी कहानी चल रही थी, मेरी अपनी चल रही थी, हम आगे का देख रहे थे, एक अनसर्टेनिटी थी, क्योंकि उस दौर में जब हम वापस आ रहे थे, मेरा ख्याल है ये हमारी एजेंसी के पास डेटा होना चाहिए, उस दौर में शायद 400 बॉम्ब फटे थे 1 साल में, तो इन हालात में हम वापस आ रहे थे,
और बिजली 12 घंटे नहीं दी होती। तो एक बंदा नौशाबा जैसा बंदा जिसने जिंदगी सारी अकेले गुजारी हो, वो सोच रही थी कि यार ये पागल ने डिसीजन तो ले लिया, तो आगे जाके हम क्या करेंगे। मैंने इसे बताया एयरपोर्ट, मैं कहा नौशाबा, मुझे इसने बड़ा जिद, मैं कहा नौशाबा मैं चाह रहा हूं, मेरा ख्वाब है कि पहले 10 साल में ना मैं ना अपने से बेहतर, जैसे मैं बाहर गया था ना टॉप की प्लेसेस पे पीएचडी के लिए बच्चे भेजे, मुझे याद है इसने हंस के मुझे दुआ दी, इसने कहा इंशाल्लाह अल्लाह करेगा। हम वहां से वाया रियाद आए, रियाद नहीं जद्दा, 10 साल ख्वाहिश थी कि सानू भी सरकार बुला लें। नाइन इलेवन के बाद ट्रांसिट बंद, सब कुछ बंद, फिर हम पाकिस्तानी और मैं तो बहुत ही ज्यादा हाथ का कंजूस बंदा पैसे बचाने वाला, मेरा था कि किसी तरह दाल लग जाए ट्रांसिट उन्होंने से सहन लाइए असि, लेकिन वो ट्रांसिट वीजे बंद हो गए। तो मुझे ट्रेवल एजेंट ने कहा कि जी वो ट्रांसिट वीजा खुला है, आपने जाना है, तो इसलिए हमें जिनीवा से सऊदी है कि फ्लाइट जिनीवा से चलती थी, बाजल में नहीं थी, तो हम जद्दा आए तो आगे इमरान था। इमरान और मैं ना हमें एयरपोर्ट से इमरान डायरेक्ट मदीना ले गया, तो मेरी जिंदगी की ख्वाहिश भी यही थी कि कभी उस जमीन पे जाऊं तो पहले मदीना जाऊं। मुझे नहीं पता कि वो ले गया, जब उसे खड़ा किया गाड़ी तो कहता है मदीना आ गया, तो मुझे याद है मैंने जब वहां से रुखसत हो रहा था किसी से आज तक नहीं मिली बात, मैंने एक ही दुआ की, एक सरकार हम जा रहे हैं दुआ दें जो ख्वाब लेके जा रहे, क्योंकि मैं तालीम तालीम और सिर्फ तालीम, अगली नस्ल की किरदार साजी तरबियत, अल्लाह मियां इज्जत रखी ना अपनी औकात है ते ना अपनी काबिलियत है, माली दा कम पानी देना पर मशका लावे, मालक दा कम फल फुल लावे या ना लावे, मैनू तौफीक दवी मैं पानी लगाने की मशक में कभी कोई कोताही ना कर बैठू, और सरकार मुझे ना मुझे मेरा मकान उसकी पहचान दीजिएगा कि मैं बहरहाल एक उस्ताद बन के जा रहा हूं। क्योंकि मुसलमानों के जवाल का एक सबसे बड़ी वजह उस्तादों का अपना मुकाम लूज कर देना, तो मैंने मदीना में सरकार के पास दुआ की सरकार मैं कहीं कोई ऐसी गलती ना कर बैठू, मुझे पहले तो ये मुकाम की पहचान दीजिएगा, फिर ये मुकाम मिल गया तो उस पे रखिए, मैं कहीं अपनी नजर में ना गिर जाऊं, कोई ऐसी हरकत ना कर जाऊं। और मैंने मदीना में भी और मक्का में भी तवाफ में, तवाफ करने के बाद जब वो सफा मरवा के दरमियान सही करते हैं ना, तो वहां से मेरी निगाह पड़ी खाना काबा पे, तो जो सिर्फ और सिर्फ एक दुआ मेरे दिल से निकली बाबा जी से, आप सारे जो दुआ
करते हो और दुआएं करवाते हो, आपको ये बहरहाल मालूम है कि एक वक्त आता है कि आप अपने लिए भी दुआ नहीं करते, दुआ निकलती नहीं है, नमाज पढ़ के भी बंदा टूटी फूटी उठ के आ जाता है कि की मंगी केड़े मुंह नू मंगी है, हमारी तो औकात से ज्यादा पहले दिया है, हमारी तो ये भी औकात नहीं थी जो अब तक दे दिया है, तो आप अपने लिए दुआ नहीं करते। तो सही के दौरान मेरी निगाह पड़ी खाना काबा की तरफ, तो मेरे दिल से आवाज आई, अल्लाह मियां हमें अच्छे हुक्मरान अता करी। ये मैंने आज तक किसी से नहीं बात की, सही के दौरान मैंने कहा अल्लाह मियां मेरी यही दुआ रही, क्यों हम जब से बड़े हुए हैं हमारी मां जी कहती हैं जिदू दे जमे बोधियों लम्बे, हम क्राइसिस में रहे सदा। 73 का पैदावार में हूं, 73 वालों से पहलों से पूछ लो, 60s वालों से पूछ लो, वो भी कहेंगे मुल्क एंजी रहा। तो मैंने इन हालात से वहां दुआ मांगी कि अल्लाह मियां हमें अच्छे हुक्मरान अता करे जो हमें आगे लेके जाए, जहां तालीम तालीम तालीम, मेरिट मेरिट मेरिट, इज्जत इज्जत इज्जत, हर बंदा मतलब जैसे यूरोप में है उसी तरह हम क्यों नहीं जी सकते, हम इतनी मेहनती कौम है। ये ख्वाब लेके मैं पाकिस्तान आया था, मैं अपने इदारे का भी बड़ा शुक्र गुजार हूँ, मैंने पहले कहा मैंने आज तक इन्हें जो कहा मेरे इदारे ने ऐसे ही समझा, तारिक ने कह दी है तो ये ऐसे ही कर, 14 साल हो गए मेरे से तंग भी बड़े हैं यहाँ पे लोग, बड़े तंग हैं, लेकिन वो अच्छे मानों में तंग, क्योंकि मैं जो बात करता हूँ वो उन्हें पसंद नहीं होती, जो वो करते हैं हमारा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है, एक अच्छा मुआशरा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन पे चलता है, एक मेज पे अगर मुख्तलिफ राय रखने वाले लोग नहीं है तो वो टीम नालायक है, वो यस सर पे डिपेंड करती है सारी, इसका मतलब है ये सारे गुजाम नहीं है। तो हमारा लम्स का माहौल ऐसा है कि हम लोग एक दूसरे के साथ स्ट्रॉन्ग ओपिनियन, चाहे कितना भी डिफरेंस आ जाए, हम सिखाते ही अपने स्टूडेंट को ये रिस्पेक्ट, सर्टन वैल्यूज हैं, कोर वैल्यूज हैं। तो मेरे इदारे ने मेरी पूरी पूरी बहुत कदर की, और शायद ये मैं अक्सर कहता हूँ जब भी फॉरनर्स आते हैं या पाकिस्तानी या मेरी लैब्स विजिट करते हैं, मैं अक्सर कहता हूँ कि जो काम हमसे अल्लाह ने स्कूल ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग में करवाया है उसे लम्स में ही पॉसिबल, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, कंप्यूटर साइंस, ये कहीं और नहीं था। तो हम ख्वाब देखने वाले लोग, हम ख्वाबों पे यकीन रखने वाले लोग, और फिर हम उन ख्वाबों के लिए हमारे बाबा जी की ट्रेनिंग है कि लड़ मर जाने वाले लोग, अली हक का नाला लगाने वाले लोग, हम अली हक हर दफा नहीं करते। मेरे स्टूडेंट्स आपको बताएंगे, मैं यहाँ आया, मैंने यहाँ पे भी तो मैं गोरों को दुआएं करवाई थी, गोरों के साथ सूर्य रहमान का काम किया था, इंडिया में यहाँ से गया तो इंडिया में सूर्य रहमान बता गया, 2018 में जब कैम्ब्रिज गया तो वो तो वीडियो में भी है कि मैं सेंट जॉन स्कूल में सूर्य रहमान में टॉक दे दिया, न्यूरो साइंटिस्ट के और सारे में। तो मैंने लम्स में भी किया, तो मैंने अपने बच्चों को हमेशा एक ही चीज बताई जो आप सब भी बता, कभी किसी से नफरत ना करना, कोई ज्यादती भी कर जाए, सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइफ के मैदान में पत्थर खा के दुआ दी, तो दुआ देनी है, नफरत नहीं करनी, प्यार प्यार प्यार, ये पैगाम मुझे बाबा जी ने दिया, काका बाबा एक तरफ दुनिया है एक तरफ इश्क है, दुनिया में ना गुम हो जाना, दुनिया की खिदमत करना। तब मुझे ये फिक्रों की, इन अल्फाज की समझ बूझ नहीं थी, शायद आज भी नहीं है पूरी, यही समझ आई उसकी मखलूक की खिदमत करनी है, उसकी मखलूक की खिदमत करनी है, और ऐसे करनी है जैसे इश्क करते हो उसकी मखलूक के साथ, कोई आपको मारे धाड़े उसे दुआ दे के भेज,
हमसे तो जो काम उसने लेना था वो बड़ा सोना अल्लाह ने ले लिया, और ख्वाब देखने पे पाबंदी कोई नहीं लगा सकता। ख्वाब और उम्मीद, ये दो चीजें हैं जिस पे इंसान जिंदा रहता है और इसी पे जीता है और इसी पे मुआशरे तरक्की करते हैं। हम तो सिर्फ ख्वाब देखते नहीं है, सोई आंखों से नहीं देखते, हम खुली आंखों से ख्वाब देखते हैं और ख्वाब देखना सिखाते हैं। ख्वाब बुनना कैसे है, फिर उसे उसको उसकी परवरिश कैसे करनी, उस ख्वाब को नशोनुमा कैसे करनी, क्योंकि हम इन बच्चों को बड़ा कर रहे होते हैं ना, स्टूडेंट्स होते हैं हमारे पास, हम उनकी तरबियत कर रहे होते हैं, उन्हें कह रहे होते हैं यू कैन डू दिस, यू कैन। जैसे आप अपने छोटे बच्चे को जो 3 साल वाला होता है, 4 साल वाला होता है, जब वो पहली दफा जाता है ना वो स्लाइड्स लेने, वो सीढ़ियां चढ़ रहा होता है, तो आप उसे बता रहे हो, वो डर रहा होता है, नहीं मैं नहीं जा सकता ऊपर, तीजी पौड़ी, आप कह रहे नो यू कैन डू दिस। तो हम अपने स्टूडेंट्स को, अपने मुआशरे में जो बच्चे हैं उनको ख्वाब देखना, ख्वाब बुनना, और हाउ टू बिल्ड योर ड्रीम्स, हाउ टू बिल्ड योर लाइव्स, एंड हाउ टू बिल्ड योर बेटर टुमारो। हमने तो ये किया है, ये करेंगे, करते रहेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि तालीम तालीम तालीम, अच्छी तालीम, मेरिट और अदल अदल अदल, फिर रिपीट कर दूं, अच्छी तालीम, मेरिट मेरिट मेरिट, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, और अदल अदल अदल, ये किसी भी मुआशरे की कामयाबी के लिए जरूरी है। एक उस्ताद होने के नाते यही मेरा जुर्म, जो मैं सिखाता हूं, जब मैं अली या कहता हूं, ये मेरे बाबा जी ने मुझे, हम सबको, आप सबको, उस्ताद होने कहा था, काका बाबा अली या ज्यादा नहीं करना। मैंने कहा जी क्यों नहीं करना, उन्होंने कहा अल्लाह वाली दुआ करा लिया करिए, अली या नहीं ज्यादा करना। मैं कहा जी मुझे बता दे, मैं ये सारे तो यहाँ पे होते थे। उन्होंने कहा ये स्टीराइड है, ये गुर्दे उड़ा देगी। मैं कहा जी आसान लफ्जों में सिखाएं, ये स्टीरॉइड लेनी कब है। उन्होंने कहा अली यक तब करना जब तुम्हें ये यकीन हो कि तुम हक पे हो, क्योंकि इसमें तुम्हारी टांग भी टूटेगी, तुम्हें भी गोली लगेगी। हक उससे तब मांगना, अली यक तब करना जब तुमने किसी से ज्यादती नहीं की और तुमसे ज्यादती होगी, और हक ना मानना मांगना काका बाबा उससे, उससे रहमान, वो रहमान है, रहमान है, उससे रहम मांगना। लेकिन जब ये पता चल जाए और तुम्हें ये पता हो कि तुम्हारे साथ ज्यादती हो गई है, ठीक है, तुमने किसी के साथ ज्यादती नहीं की, तो पहले तो माफ कर देना, तूने माफ करना है, हमारा सबक ही माफ करना है, प्यार प्यार प्यार, नफरत किसी से नहीं करनी। लेकिन अगर इतना ज्यादा हो जाए तो फिर काका बाबा अली हक का नारा लगा दे, अली हक अली हक अली हक अली हक अली हक अली हक। मैं कहा जी ये दुनिया को कब दुआ देनी है। उन्होंने कहा जब दुआ करवाना ना लोगों को तो कभी अंदर पार्टी नहीं बनना, तू गए अल्लाह मियां इसके साथ ज्यादती होगी, इसको ना आप दे दें उसे साथ के, तू अली या करा, तो अपना भी नुकसान कराएगा, उसे ये खोल के बता दी कि तुझे मैं अली या कह रहा हूं, ये देख ले तूने तो नहीं कहीं गलत किसी के ना इंसाफी की। तो जिस बंदे ने अली हक का नारा लगाया हो ना, जिस बंदे ने अली हक वाली दुआ की हो, दुआ सारी हडबीती का नाम है, ये करवाने करवाने वाली बात नहीं है। करवाते आप जब करवा रहे होते हैं, आप खुद दुआ में से गुजर रहे होते हैं, सुई के नक्के में से गुजरना होता है बाबा जी के लफ्ज़ में, क्या बाबा सुई के नक्के में से गुजरोगे तो फिर पता चलेगा ये हड बीती है ये दुआ के। तो जब आपने अली या किया होता है ना, तो फिर आप कॉल और फेल में तजाद नहीं कर सकते कि मैं बच्चों को ये पढ़ाऊं कि तुमने हमेशा हक का साथ देना है और तुमने हमेशा ना सही बात करनी है, और अगर कोई आपके आगे आ गया जिसका डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, तो उसे रिस्पेक्ट के साथ उसकी भी सुननी है और डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को लेके चलना है, ठीक है, लेकिन बहरहाल जो हक है उस पे खड़े रहना,
अगर मैं प्रैक्टिकली इस पे इस मुआशरे में रहता नहीं चलता तो फिर मैं हराम खा रहा हूं। मैंने पिछले दिनों अपने कॉलीग्स को भी कहा कि मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे तो तुम लोगों के साथ बड़ा रास्तबाज बना हुआ हूं, इधर तो मैं बड़ी अच्छी अच्छी बातें कर रहा हूं, अगर मैं प्रैक्टिकली नहीं कर रहा जहां हक पे खड़े होने की बात है तो यार फिर मैं हराम खा रहा हूं। क्यों? क्योंकि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कॉल है कि जो बात आप कर नहीं सकते प्रैक्टिकली उसकी किसी दूसरे को तलकीन भी ना करो, नसीहत भी ना करो। तो मैं गरीब बंदा, तो मेरा तो मुंह ही नहीं है जनाब इतने बड़े बड़े काम कर सकते। मैं अगर बच्चों को पढ़ाता हूं, एक उस्ताद हूं, एक उस्ताद होने के नाते अगर मैं ये गुनाह करता हूं कि उन्हें कहता हूं कि ओए हक पे कायम रहना है, झूठ ना बोलना, हक पे कायम रहना क्या होता है, उन्हें ये सिखाओ झूठ नहीं बोलना, जिंदगी में झूठ नहीं बोलना, जिसका मतलब आप उन्हें कह रहे हो सच बोलो। नंबर दो, कभी किसी के साथ ना इंसाफी ना करना, किसी के साथ झूठ फ्रेम मकार ना करना, चीट ना करना यार, ठीक है। और जो मुआशरे में तुमसे नीचे है ना, उनको यार लिफ्ट देम अप, उनको साथ लेके चलो। ये सबक सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, ये सबक हर मुसलमान घर का है, ये सबक गैर मुस्लिम मुआशरों का है। मैं वहां रह के आया हूँ 1400 साल, वो हमसे आगे क्यों है? उन्होंने इन सारे असबाक पे मनोअन अमल किया। हम नाम के मुसलमान तो हैं, काम के नहीं है। हम झूठ भी बोलते हैं, फरेब भी, धोखादही भी, सारा कुछ। बाबा जी के बड़े अच्छे फिक्रे याद आ रहे हैं, उन्हें मुझे कहा दूसरे साल जब मैं वापस आया उनसे मुलाकात हुई, अचानक मुझे कहते हैं क्यों कहा बाबा, इस्लाम देखना है तो यूरोप में चले जाओ। मैं कहा जी, कहते हैं वो शराब पीते हैं, जना करते हैं, बाकी तो उसके काम हमसे ज्यादा अच्छे हैं। मैं कहा जी आप बिल्कुल ठीक है, हम ये दो काम नहीं करते हैं, लेकिन बाकी सारे काम हमारे जो है वो काफरों वाले हैं। तो एक उस्ताद होने के नाते पढ़ाना, क्लासरूम में पढ़ाना और चीज होती है कि लेक्चर दिया, महीने के एंड पे तनख्वाह ली, अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट में जाके खाना खाया, एक तो ये जिंदगी, दूसरी ये कि जो क्लासरूम में पढ़ा के आया है, जो इतना ज्यादा 28 लेक्चर पूरे सेमेस्टर के दे के आया, 14 सालों में सोचे मैंने कितने दिए होंगे। लम्स ने मुझे 2 साल पहले वन ऑफ द बेस्ट टीचर वाइस चांसलर हमारे ने आके अवार्ड शुरू किया, वाइस चांसलर टीचिंग एक्सलेंस अवार्ड वो दिया। सोचेंगे लम्स जैसी यूनिवर्सिटी में इसके कितने स्टैंडर्ड होंगे। उन्होंने अगर मुझे वो अवार्ड दिया तो ये सिर्फ सोचें कि मैंने कितना पढ़ाया होगा इस कैंपस में, मैंने क्या किया होगा। अब इतना पढ़ाने वाला बंदा क्या सिर्फ क्लासरूम में पढ़ाएगा? क्या वो जब सड़क पे आएगा, क्लासरूम से बाहर आएगा, लम्स में होगा या सड़क पे चल रहा होगा, गाड़ी में होगा, तो क्या वो उस पर अमल नहीं करेगा? वो क्या कहेगा कि वो तो क्लासरूम तक की बातें हैं बेटा, भाई सड़क पे तो मैं ना रेड लाइट क्रॉस कर जाता हूं, ठीक है, ये 120 किलोमीटर पर आ स्पीड है मोटरवे की, वो यह मैं ना 170 चला लेता हूं, आप मेरे से तवक्को करेंगे? ये मैंने अली हक कहा हुआ, जिस बंदे ने अली हक कहा हो ना, मैं तो नहीं ये कर सकता, मेरे तो कदम कदम पे पैर है, मेरी सोच पे, कदम बाद में निकलता, मेरी सोच पे भी पैर है कि कागा बाबा तू अभी तो ये क्लासरूम में बक बक करके आया, बाहर निकल के तू ये चीट कर रहा, खुद ही तू स्पीड लिमिट तोड़ रहा, कानून तोड़ रहा, खुद ही अस्पताल में कानून तोड़ रहा, ठीक है, दवाइयां चोरी करके बाहर बेच रहा, तो हमारे तो कॉल फेल में तजाद है। डॉक्टर तारिक की इसी बात से आगे ये सारी आज की जो सिटिंग, असल मकसद जो था या जो बात मैं करना चाह रहा था या जो जवाब आप लोगों को इकट्ठा देना चाह रहा था, क्योंकि बहुत से सवाल भी थे
मेरी अपनी फैमिली के बहुत बड़ी माशाल्लाह हमारी फैमिली है मुख्तलिफ शहरों से मुख्तलिफ मुल्कों से, वो भी फ़ोन आ रहे थे, कुछ के आ रहे थे, कुछ के मैसेजेस हैं, मैं पढ़ ही नहीं सका, सबका कंसर्न था, कुछ दोस्तों के फ़ोन सुने, कुछ के सुन नहीं पाया। हमारे दोस्त भी हमारे साथ फैमिली की तरह ही हैं, इसके दोस्त, मेरे दोस्त, हमारे घर के दोस्त, उनके सारों की आपस में फैमिली कनेक्शंस हैं। लेकिन ये सारा बैकग्राउंड बताने सुनाने का मकसद ना डींगे मारना था, ना इस मुल्क कौम को हम किसी किस्म का ये जताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम कोई कुर्बानियां देके इस मुल्क के लिए आए, नहीं, ये हमारा फर्ज़ ऐन था। और ये बात जो मैंने इसको इंसिस्ट की जब ये वापस आ रहा था या अभी डिसीजन ले रहा था जर्मनी से अलायन जाना है, अमेरिका जाना है, पाकिस्तान की ऑफर लेनी है, मैंने ये सबक एक पठान अल्लाह, मैं उसका नाम तक नहीं जानता, रियाद की टैक्सी में एक पठान ड्राइवर ने मुझे ये पूछा जब उसने मुझे हॉस्पिटल ड्रॉप किया शुरू शुरू के दिन से कि तुम पाकिस्तान से हो, डॉक्टर हो, बहुत खुश हुआ, बुजुर्ग था, लेकिन साथ कहने लगा कि जब तुम डॉक्टर हो तो तुम इधर क्यों आए हो, मैं तो पढ़ा लिखा नहीं था, मैंने कर्जा उठाया, मैं यहाँ आया और मैंने कितने साल लगा के वो कर्जा अपना ख़त्म किया, अब मेरे वहाँ जाके और कोई काम नहीं कर सकता और ये टैक्सी वहाँ चलाता हूँ तो इतने पैसे नहीं बनते, और मैंने अपने बहन भाइयों को पढ़ाया है, शादियाँ की हैं, अब मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं, मैं तो यहाँ फंस गया हूँ, तुम तो डॉक्टर हो, जाके अपना क्लिनिक करो, तो क्या तुम्हें पता नहीं है कि नबी ने हिजरत सिर्फ 3 हालतों में की है। मैंने पहले उसकी बात पूरी सुनने पहले कहा कि देखो यहाँ अभी मैंने हाथ जुमरा करना है, उसने कहा कि ये भी सरकार ने, मेरे इल्म में ये बातें नहीं थी और मैं, मुझे नहीं पता कि कितनी अथेंटिक हैं ये, सही अहादीस हैं, हसन हैं, ज़ईफ हैं, कहने लगा कि नबी ने कहा कि यहाँ बस हाथ जुमरा करो और फौरन यहाँ से निकलो ये क्या बात कर रहे हैं। और दूसरी बात उसने कही कि हिजरत सिर्फ 3 हालतों में है, जो कि मैंने बाद में कंफर्म भी किया कि अगर तुम्हारी जान माल को खतरा है तुम्हारे रिलीजन की वजह से, जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म आ गया, या अगर तुम इलम हासिल करने जा रहे हो इस नीयत से जाओ कि वो इलम या वो हुनर सीख के वापस अपने मुल्क में आके अपने लोगों को सिखाओगे ताकि दूसरों को ना जाना पड़े, और तीसरा या तुम जहाद पे जा रहे हो, अगर शहीद हो गए तो वैसी बात खत्म हो गई, और अगर गाजी हुए और फाते हुए तो फिर वहीं पर इस्लाम को फैलाओगे, वहीं की बच्ची से शादी करोगे, वहीं की नई नस्ल को इस्लाम सिखाओगे, इस्लाम ऐसे फैला। मैं इस पे गौर करता रहा और जो मेरा मुआहदा था उनके साथ 2 साल का वो पूरा किया, अल्लाह ने अवामिल भी ऐसे किए, मैं वापस आ गया। और बाबा जी भी मेरे सामने लोगों को कहते होते थे जो कहीं बाहर जाना चाहते थे, बच्चे बेचारे लेबर वीजा पे या कुछ, तो वो कहते होते थे बेटा बाबा अगर यहाँ एक सूखी मिलती है तो प्रदेश की 2 चुपड़ियों से अच्छी है, अगर बहुत ज्यादा सेविंग है तो फिर चले जाओ, अगर तुम्हें सिक्योर जॉब है कोई, नहीं तो वहां जाके धक्के ना खाना और वहां बसने के चक्कर में तुम अगली नस्ल जो है उसको कंफ्यूज रखोगे और तीसरी नस्ल जो है वो मजहब भी छोड़ जाएगी, नस्ल तबाह हो जाएगी। और ये इमरानियात की स्टडीज हैं, सारों को पता है कि ये सब इंटरनेशनल फिनोमेना है। तारिक को मैंने इसी तरह कह दिया, जिस तरह भी कहा, मैंने कहा ना कि मैं खुद भी आ चुका था, खुद आके ये जान भी चुका था कि मेरे साथ प्रैंक हो गया, या मैं तो टीचिंग जॉब पे नहीं आया, ना इसमें कोई जॉब ग्रोथ है, लेकिन हमने अपना काम किया, उस आईसीयू को एस्टेब्लिश किया, अल्लाह ने बड़ी अच्छी टीम बनाई, आज वो खुद रन कर रहे हैं, मैं तो बिल्कुल आउटसाइडर हूँ, अब मेरे से ज्यादा सीख गए हैं बच्चे। डॉक्टर साहब लोगों को अल्लाह ने लाना ही था यहाँ पे, मैं सिर्फ इसलिए जोर दिया, जो ही मुझे पता चला कि बाबा जी ने इसको कहा था, मुझे पता और चल गया कि इसको आना ही पड़ना, और ये आया और अल्लाह ने इससे काम लिया। इस दौरान ये जो मैं सैप हुआ, और ये हमारी ड्यूटी थी, हमने करना ही था ये काम, ये किसी के सर पे एहसान नहीं है, ये इस माँ का हमारे पे कर्ज है, इस मुल्क का हमारे पे कर्ज है, मुल्क और मुआशरे ऐसे ही तरक्की करते हैं, अपने अपने हिस्से का काम आपने करना है, और ये अल्लाह करीम की तरफ से तौफीक है, वो जिससे ले लें। उस दिन पिछले इतवार को जो वाकया हुआ, जैसे मैंने थोड़ा सा ब्रीफली शुरू में बताया कि ये अपने बच्चों को समझा रहे थे, जो थोड़ी सी बात मुझे इनसे पता चली, इन्होंने शायद अपनी पोस्ट में भी लिखी है, और बच्चों को लेके जिसमें 6 साल की छोटी बेटी मरियम, जो अगले दिन फिर जब मैं आया तो उसने मुझे वॉशरूम में गया बाहर निकला तो एक पोस्टर लेके खड़ी थी, तारिक शायद किसी से बात करते हुए जज्बाती हो गए या इनको पेन थी थोड़ी किसी बात पे, ऊपर नीचे होते हुए इसकी चीख निकली, तो उसने पोस्टर लिखा हुआ था, मुझे कहती ये बड़े बाबा, ये बाबा को समझाएं,
तो उसने वो A4 पेज पे मुख्तलिफ कलर से लिखा हुआ था, मस्त मस्त बाबा डोंट क्राई एवरीथिंग विल बी मस्त मस्त फाइन वी आर हियर फॉर यू वी आर प्रेइंग फॉर यू वी आर प्रेइंग फॉर यू। तो इस नस्ल इस कौम से ये पागलों का टब्बर है, इस पागलपन से ज्यादा आप क्या उम्मीद करेंगे, हमें इससे प्यार है। ये बाहर खड़े थे, यूसुफ इनकी वीडियो बना रहा था, जो वीडियोस नेट पे लगी भी हैं। एक और साहब उन्होंने वीडियो पोस्ट की, उन्होंने अपनी गाड़ी में से इन लोगों की वीडियो बनाई हुई है उस वाकये के 2 मिनट पहले, और फिर वो वाकया उन्हीं के सामने हो गया। वो उसमें बता रहे हैं कि ये लोग शहरी बड़े पुरमन तरीके से आज यहाँ पे एक डिफरेंट स्टाइल से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वो वीडियो मैंने बीच में लगाई थी, लेकिन पुलिस वालों का कसूर नहीं है। 75 साल में इस इंस्टीट्यूट के अगर इन बेचारे स्पेशली जो उनके स्पाई होते हैं उनकी कोई ट्रेनिंग नहीं, उनके आप जिस कमरे में उन्हें रहने के लिए आपने जगह दी होती है कोठी भी नहीं होती, कपड़े भी इधर उधर पड़े होते हैं, वर्दी भी जो साल में 1-2 बार मिलती है। बहरहाल उनके राइट्स के बारे में ना कभी सोचा गया और ना ही कभी उनकी ग्रूमिंग और ट्रेनिंग की गई। उन्हें नहीं पता, वो राइट्स पुलिस है ही नहीं है कि डंडा मारना कब है और कहाँ मारना है और किस लेवल पे जाके मारना है। फ्रांस के मुजाहरों का बहुत जिक्र हो रहा है, आप वहां देखें कि लोग उन पे पेट्रोल बम फेंक रहे हैं, जो यहाँ पे हम इसी को किसी और बहाने यूज करते हैं, क्योंकि ये सारी हुकूमतें जो हैं जिस वक्त वो कंट्रोल करना चाहती हैं वो ये सारे हरबे इस्तेमाल करती हैं, कोई भी हो। ये लोग खड़े थे जब वो पुलिस वाला आया है, पुलिस की वैन थी, उसके साथ प्रिजन वैन थी, अचानक वो आए हैं। तो यूसुफ तो वीडियो इनकी बना रहा था, वो सड़क की साइड पे था, तो उसने अपनी तरफ से, वो पुलिस मैन जो सबसे आगे था शायद थानेदार ही था, थानेदार कहते हैं स्टेशन हाउस ऑफिसर SHO को, जो पूरे थाने का इंचार्ज होता है। ये साहब 2 फूलों वाले थे, शायद सब इंस्पेक्टर को कहते हैं, 1 फूल वाला ASI होता है और फुल इंस्पेक्टर 3 फूलों वाला था, जो मेरी समझ है। तो बहरहाल साहब जो थे वही आगे थे। यूसुफ कहता है कि मैं समझा कि ये भी मुझे कहेंगे कि आप लोग यहाँ से हट जाएं या कुछ चलें, तो इसने उनसे हैंडशेक करने लगा। उसने एकदम इसका हाथ ग्रैब करके और इसको गाली दे के मारते हुए प्रिजन मैन की तरफ खींचा और अपने बाकी साथियों का कि पकड़ो इसको, या जो भी उसने गाली देनी थी। ये खौफ या दहशत फैलाने का एक तरीका भी होता है, और अवाम जिसे भेड़ बकरियां, हम अभी तक अंग्रेजों के दौर में जी रहे हैं, क्योंकि ना तो दफा 144 थी और आम लोगों को अपने राइट्स का पता नहीं, ना उसके पास कोई अरेस्ट वारंट था, ना उसने उस तरीके से आके कोई अरेस्ट वारंट दिखाया जिसके बाद अगर उसके पास अरेस्ट वारंट था या कोई वायोलेशन का कोई दफा 144 अगर लाहौर में लगी हुई थी, हालांकि उसी दिन पूरा का पूरा इस्लाम सुप्रीम कोर्ट के गेट के ऊपर शलवारों समेत चढ़ा हुआ, ठीक है। और मैं सॉरी टू से बीच में ये बात कर देता हूँ, इस मुल्क में हमने 4 साल पहले देखा कि यही सियासतदान जिन लोगों को गालियां दे रहे थे, जनरल्स को गालियां दे रहे थे बाद में, और हम हैरान थे कि जनरल्स इन्हें कुछ नहीं कह रहे, बाद में पता चला कि वो सब आपस में डील थी, स्मोक स्क्रीन थी सारी। और अब जो अदालतों को दे रहे हैं तो लगता है अदालतों में भी कोई बगले हैं। बहरहाल अल्लाह जाने जो भी इस मुल्क में हो रहा है, हमारा काम जो था हम पीसफुल अपना ओपिनियन ये अपना प्रोटेस्ट तो कर सकते हैं। जो भी ये लोग कर रहे थे, और ये अपने बच्चों को सिखा भी रहे थे कि नहीं वायलेंट नहीं होना होता, मैं बताता हूँ कि ऐसा बेटा क्यों होता है और आप लोगों ने एहतियात करनी होती है। इवन मैंने उन्हें सड़क से भी, मैंने कहा तुमने सड़क पे नहीं खड़ा होना, सड़क नहीं ब्लॉक करनी है, ऊपर खड़े हो ग्रीन बेल्ट पे ताकि सड़क ट्रैफिक गुजर रही होती है, बहरहाल वहाँ ट्रैफिक उस जगह तक नहीं आती है, लेकिन मैंने भी बेटा ये देखो यूं है ग्रीन बेल्ट पे खड़े हो। तो आप तारिक साहब बहरहाल चिड़िया के भी घोंसले में आप हाथ डालें या कवे के बच्चों को भी आप पकड़ें वो आपके पीछे पड़ जाता है, वो परिंदा छोटा सा जो है वो अपनी चोंच या अपने पंजे मारने की कोशिश करता है। इन्होंने भाग के अपने बेटे को छुड़ाने की कोशिश की और वैन से एक बार उतरा ही लिया, लेकिन वो 15-16 लोग थे। एक और डॉक्टर साहब जिनकी मिसेज प्रोफेसर है लम्स में और खुद वो डॉक्टर हैं और वो खिदमत खलक ही कर रहे हैं, मेरी उम्र के होंगे, माथे पे मेहराब है, रोजे की हालत में थे, वो भी वहीं खड़े थे। उन्होंने भी बीच में आके बीच बचाव कराने की कोशिश की, लेकिन जब वो मारा मारी बड़ी, वो 15-16 लोग मार रहे थे इन लोगों को,
तो ये भी आगे से रेजिस्ट, इसमें कोई शक नहीं कि ये इन्होंने आगे से रेजिस्ट कर रहे थे, क्योंकि कोई लीगल उन्होंने ना अरेस्ट वारंट दिया था, ना कोई वायलेशन हो रही थी, ना कोई ऐसी बात थी। हाँ, ये सुना गया था कि इंटीरियर मिनिस्टर ने फ्री हैंड दे दिया पुलिस को, उन बेचारे पुलिस वालों को जो समझ आई उन्होंने फ्री हैंड ले लिया, उन्होंने औरतों के गिरेबान पकड़ लिए, उन्हें व्हील चेयर के ऊपर औरतें जो ताकतवर नजर आई उन्होंने उन्हें खींच लिया, ये सब कुछ भी आपने देखा। और इस रेजिस्ट भी हमने कोई किसी के साथ आता पाई नहीं की, हम यूसुफ को खींच रहे थे, यूसुफ को खींच रहे थे, यूसुफ को पीछे खींच और छोड़ नहीं रहे थे, जब वो 15-16 बंदे इन्हें मारते रहे, क्योंकि उनके ख्याल में तो पाकिस्तान का जो शहरी है उसकी जुर्रत कैसे हो गई कि उसने कानून की वर्दी पहने हुए लोगों को, और जुर्म भी है वैसे कि आप उनके ऊपर हाथ उठाएं या उन्हें रेजिस्ट करें, लेकिन ये भी नहीं है कि विदाउट एनी वारंट के या विदाउट एनी वायलेशन के वो किसी को भी मारना शुरू कर दें, किसी रेडी वाले को कि उसने पैसे क्यों मांग लिए, या किसी रिक्शे साइकिल वाले को उसने क्यों पैसे मांग लिए उतरने चढ़ने के, ये कल्चर चल भी रहा है, आप सबको पता है। तो उस मारामारी में जिस वक्त उन लोगों ने इनको ओवर पार कर लिया, यूसुफ को पहले वैगन पे चढ़ा लिया, फेंक लिया उन्होंने, डॉक्टर साहब भी चढ़ गए, तारिक को लास्ट में उन्होंने उठा के अंदर मारा, जिस वक्त उन्होंने उठा के अंदर इन्हें एक किस्म का बंडल आउट किया है, इनका घुटना, लेफ्ट घुटना जो है वो उसके पायदान को लगा, और इनका लैटरल कुंडाइल का फ्रैक्चर है, जिन लोगों को समझ है इस चीज की, लेफ्ट टिबिया के लैटरल कुंडाइल का फ्रैक्चर आया, और राइट में दो दफा मुझे ऐसे इसको उसमें मारा ना, मारा मेरी ये टांग उस पे लगी, और ये हाथ इनका जो है, मेरा ख्याल है इन्हें नहीं पता चला, लेकिन हम डॉक्टर जानते हैं टूट गया उधर जब खेंचा तानी में वो जब मैं उधर आया हूँ, जब उसने मुझे मारा ना ऐसे करके, मैंने लिखा भी है उसमें, मैंने हाथ ऐसे पकड़ लिया अपना फौरन से, क्योंकि तकलीफ बड़ी थी, क्योंकि हमारे यूजली ये है कि हम इसे कोलिस फ्रैक्चर कहते हैं, छोटे बच्चों में भी फ्रैक्चर हो जाता है, जब वो गिरते हैं तो वो अगर वो अगला हाथ अपने आप को बचाने के लिए आगे करते हैं तो उनके पूरे जिस्म का वजन अगर इस जगह पे आता है तो ये बड़ी नरम हड्डी यहाँ से होती है, वो दो तीन जगह से इनकी क्रैक आया उसमें हेड ऑफ रेडियस का। बहरहाल उस वक्त उन लोगों को भी नहीं पता चला, यूसुफ ने वैन में बैठते साथ मुझे फोन कर दिया कि बड़े बाबा वी आर अरेस्टेड, और गाड़ी में वो इन्हें लेके फिर घंटा फिरते रहे, क्योंकि उन्हें ऑर्डर्स होते हैं कि आज तुमने 10 गिरफ्तारियां करनी है या 100 चालान करते हैं, क्योंकि यहाँ इस मुल्क में ऐसी ही हुकूमत चलती है, उन्होंने भी नफरी पूरी करनी होती है। वो इन्हें यहाँ से लेके लालिक चौक पे, वहां से कोई मोटरसाइकिल वाले दो बच्चे थे उन्हें भी उन्होंने उठाया, जो बाद में मुझे थाने में बेचारे मेरे भी तबले करते रहे कि अंकल हमें भी छुड़ाएं, हम तो जॉब से वापस घर जा रहे थे, हम किसी प्रोटेस्ट में नहीं थे। और एक साहब जिनकी गाड़ी में, वो ड्राइवर था, उसकी गाड़ी में शायद खवातीन थी, उस ड्राइवर को इन्होंने उठा लिया, वो भी था। तो गाड़ी में भी तारिक चूके नीचे फर्श पे ही लेटा रहा, तो एक साहब इन्हें टूटे छूटे मारते रहे कि उठो मकर ना करो या कुछ, तो वो दूसरे डॉक्टर साहब जो है वो गुस्सा खा गए, उन्होंने उसे समझाने की कोशिश की कि ये उस्ताद है तुम क्या कर रहे हो। फिर यूसुफ ने उन लोगों को बताया कि अंकल का रोजा है, रोजे का टाइम हो गया। वो एक साहब अच्छे भी थे, दाढ़ी वाले, ये बता रहा है कि बुजुर्ग थे पुलिसमैन, उन्होंने उनका रोजा खुलवाया, उनके पास भी आधी गिलास पानी था, बोतल थी उनके पास, नहीं उन्होंने ताजा पानी की बोतल ठंडी लाके थाने जाके, वो बंदा बड़ा अच्छा, वो थाने जाके हुआ प्यारा बंदा। गाड़ी से जब ये उतरे तो तब इन्हें पता चला, मेरा ख्याल है कि टांग का भी इनका मसला ज्यादा बढ़ गया। मुझे टांग का वहीं पे पता चल गया जब मुझे लगी है ना जी, वो प्रिजन वैन पे तो मैं चढ़ ही नहीं सका। तो फिर आपको उतारा कैसे, किसने उतारा? मुझे यूसुफ और जुल्फिकार, इन दोनों ने कंधों पे लिया। तो इन्होंने कहा कि अच्छा हम लेते हैं तू, क्योंकि वो काफी हाइट होती है। तो मैंने कहा नहीं, मेरे से नहीं उतर, मैं नहीं उतर सकता। ये तो मुझे, क्योंकि मैं चढ़ भी नहीं था ना सका, तो ये चोट ठंडी होती गई एक घंटे, तो मुझे पता चल गया कि मैं कुछ गड़बड़ है, ये नहीं मुझे पता कि क्या हुआ, इसमें वजन नहीं था डालना। तो मैंने यूसुफ ने एक तरफ उठाया और जुल्फिकार ने, मैंने इन्हें फिर कहा कि नहीं ये नहीं हो रहा। मैंने उन्हें कहा मेरे से नहीं उतरा जाएगा, एक पुलिसमैन नीचे खड़े थे। तो वही वो दाढ़ी वाले बाबा जी थे जो वैन के अंदर ही थे, जिन्होंने पानी भी दिया ला के, स्पेशल रोजा खलवाया। उन्होंने बड़े प्यारे तरीके, उन्होंने कहा आप फिक्र नहीं करें, स्पाई था, उन्होंने कहा फिक्र नहीं करें, स्पाई सी गार्ड ही सी अंदर ना, वो गेट पे मेरा ख्याल वही मिला मुझे। उसने मुझे ना ऐसे टांगों से पकड़ के ना आराम से, उसने मुझे आराम से नीचे रखा, उसने कहा अब देखें जरा। मैं कहा नहीं, मेरे से नहीं होगा। फिर ये दोनों मुझे कंधे पे डाल के ना आगे लेके गए, अंदर बड़ी इज्जत के साथ, मतलब अंदर जो जितना स्टाफ था, मैंने उनकी निगाह में भी अफसोस देखा, जो सच्ची बात, जो अंदर स्टाफ था, उन्होंने जब हमारे नाम वगैरह लिए तो
उन्होंने एक ने मुझे पूछा कि ये क्या हुआ है, मैं कहा मेरा बाजू टूटा है और मेरी टांग, और उसके चेहरे पे वाकई अफसोस था, निगाह में बंदा इंसान कोई भी इंसान हो ना, चाहे पुलिसमैन हो आर्मी का जवान हो कोई भी किसी को तकलीफ में देख के ना इंसान जो होता है ना कोई नहीं सकता कि उसके अंदर भी तकलीफ ना हो। वो सारे बड़े बेचारे मुझे उन्होंने सोफा दिया और बड़े उन्होंने प्यार से उन्होंने कहा सर इधर बैठ जाए, आप नाम शाम लेते रहे, आप नाम बताएं फोन नंबर बताएं, डेटा शेटा लेते रहे बड़ी मतलब अंदर। उसके बाद उनमें से शायद कोई एक आधा बंदा हो, लेकिन मुझे उनका रवैया वहां पे हाँ वहां बाहर जब ये पकड़ने हैं वो रवैया पता, वो लोग मुझे नहीं पता कौन थे, उनमें कोई 10-15 पुलिस यूनिफॉर्म में थे अंदर से, ये जिसने अंदर मुझे मारा प्रिजन मैन वो सिविल कपड़ों में था, वो बार बार मुझे यही कहता था तेनू मेरा महकमा नहीं पता तुम देखो मैं थोड़ा नकर ना। तो मैंने उसे कहा, मुझे याद है मैंने उसे कहा, मैं कहा आप भी सरकारे तो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाले और मैं भी सरकारे तो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो जुबान और अल्फाज का चुनाव जो ना अच्छा करे। वो गुस्से में बड़ा गालियाँ बड़ी पड़ी, तो उस पर वो जुल्फिकार उठ के आए, तो उन्होंने कहा कि तुम्हें पता है ये कौन बंदा है, ये उस्ताद है, इस कौम का उस्ताद है, इसने एक नस्ल पैदा की। तो उसके बाद वो भाई साहब भाई चले गए, उसके बाद थाने में जाके वो भी ठीक है, मतलब उन्होंने भी कोई वो जब मेरी उनसे मुलाकात हुई उन्होंने कहा जी माजरा चाहना जी साड़ी ड्यूटी यह जी हो गई है, तो गुस्से से पता नहीं चल रहा। तो आपने जब हमें आके याद करवाया कि यार सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दान तड़वा के भी माफ किया था और ताइफ के मैदान में पत्थर खा के भी माफ किया, मौला हुसैन ने करबला में माफ किया है, नेज़े पे भी कुरान ही सुनाया है, यूसुफ ने आपको कहा कि तो नहीं बाबा के टांग और ये हुआ, तो आपने हमारी आंखें बंद करके कहा तो हम खुदा गवाह है, और हमारे बाबा जी का भी सबक ये था कि भाई प्यार 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 इश्क 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 नफरत नहीं किसी से करते। तो मुझे याद हम सारों ने मुझे याद है जुल्फिकार ने भी I'm pretty sure यूसुफ ने भी इंशाल्लाह, तो हम सारों मैं तो दिल साफ माफ करके वहां से निकला था और मैंने अल्लाह से हाँ ये कहा था, मैंने कहा था ये सारे हुक्म के गुलाम है अल्लाह ने, ये बेचारे तो मजबूर है ना, जैसे आपने कहा उनकी 15,000 तनख्वाह होगी, 20 होगी, 30, 35, 40 होगी, वो नहीं हुक्म मानता, गरीब खुटेला लगेगा, नौकरी से बर्खास्त होगा, चूल्हा कैसे चलेगा। तो मैंने अल्लाह को कहा था कि अल्लाह मियां ये तो हुक्म दे गुलाम ने सारे, मेरा मुकदमा जड़ी ना वो हाक में वक्त जेड़े भी हुक्मरान ने, मैनू नहीं पता हुक्मरान केड़े ने, मुझे किसी का नहीं पता ये मुल्क कैसे चल रहा है, मैं सारा सारी जिंदगी गुजारता हूँ सारा तक कि जो भी हाकमे वक्त है पाकिस्तान का और हुक्मरान है अल्लाह मियां मेरा मुकदमा वो देख रहा है, अदल 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 अदल। मैं तो वहां आके मर गया, मैं कहा मौला ये सारे बेचारे मेरे जैसे हैं, ये सारे भी मस्कीन है, ये भी सारे सिस्टम में मजबूर है। तो वो जो हड्डी का टूटना था हाथ की वो मुझे शुरू में पता चल गया था, और टांग वाली भी मुझे जब वो प्रिजन वैन में लगा हूँ दो दफा उसने ऐसे ऐसे मुझे नहीं पता वो कौन था कौन नहीं था, हाँ हाथ किसने तोड़ा है वो मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं खींचता था यूसुफ को और वो इसे पकड़ के लेके जाते थे, ठीक है, और वो कितने ज्यादा बंदे पड़े थे। यूसुफ डॉक्टर साहब का 16 साल का बेटा है, 15-16 साल का, तो डेफिनेटली उसमें झींगा मुश्ती पावर बैंक है, पावर बैंक है, तो उसमें वायर्स भी दोनों है। लेकिन जब मैं यूसुफ की मुझे आवाज आई ना पापा रहने दे आ जाए, तब मैंने अपना हाथ पकड़ लिया वो, क्योंकि तब मुझे एहसास हुआ कि मेरा तो हाथ टूट गया। मैं वहां पे भी मैंने किसी को दोष नहीं दिया किसने किया किसने नहीं किया, क्योंकि मैंने वही ने कहा था कि इन पुलिस वालों को माफ करें, मैंने उनको यकीन दहानी कराई थी कि हमने किसी किस्म की मेडिकल लीगल कार्रवाई आगे नहीं करनी है और आप डरे नहीं इस केस को यहाँ फिनिश करें, क्योंकि कोई एलिगेशन था नहीं, कोई ऐसी चीज था नहीं, शायद वो अपनी उन्होंने भी गिनती पूरी करनी थी वो कर बैठे थे, उसमें जो उनकी अकल समझ जितनी थी और जिस तरह उन्हें इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ समझ आई उन्होंने कर दी। डॉक्टर साहब की हिम्मत और हौसले की मैं दाद देता हूँ कि ये 6 घंटे उस थाने में जिस तरह इसने 2 टूटी हड्डियों की दर्द के साथ ये खामोश बैठा रहा, और मैंने इसके मुंह से आई नहीं सुनी, खामोश ये बैठा रहा,
और उसी हालत में जब ऐसे कहा, मैंने कहा कि आप माफ करें, उसने कहा कि मैं माफ करता हूँ। मैंने कहा सरकारे दो आलम के सबके माफ करें इन लोगों को और इन्हें दुआ दें कि अल्लाह इन पर फजल करम रहम और बरकत करे। हाँ, इस हमारी अगर इस अदा के बदले मेरा मालिक इस मुल्क में अमन चैन करम और फजल कर दे, हमारी यही इसमें हिस्सा है। जहाँ तक आप सब लोगों का जो जज्बाती सवालात हैं और जितनी आपकी पुरखलूस ऑफर्स हैं बाहर के मुल्कों के लिए, तारिक के दोस्त, मेरे दोस्त या दुआ के जितने दोस्त हैं, आप सब लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब लोगों का हम इधर इंतज़ार करेंगे कि आप खुशी खुशी इस मुल्क में वापस आएँ, अपनी इस असल माँ को आके खिदमत अगर आप कर सकें तो करें। अगर सारे यहाँ से जाते रहेंगे, ये ब्रेन ड्रेन, ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं है, लेकिन उन मुल्कों की बहरहाल जो ग्रोथ रेट है वो नेगेटिव में है। हलाल हराम के चक्कर में भी अगर मैं बात ना करूं कि शादी के बगैर बच्चे जो कुछ भी है वहाँ पे एबॉर्शन के ऊपर, तो वहाँ तो लॉज वो तो लड़ रहे हैं कि एबॉर्शन की इजाज़त ही दे दी जाए सारी, और वो आगे बच्चे पैदा ही नहीं कर रहे। उन्हें इन्हीं मुल्कों से जो है ऐसे बच्चे चाहिए हैं जो यहाँ से स्ट्रगल करके और बड़ी हायर स्टडीज़ के लिए जाते हैं, तो फिर वो वहीं रहें और उनको सर्व करें। और जैसे इंडिया, वो इंडियन नजाद हैं शशि, जब चाहे वहाँ वज़ीर आज़म बन गए हैं शायद इंग्लैंड में, और सादिक साहब पाकिस्तान के हैं जो मेयर बने हैं थे, रशी और बहुत से और भी लोग पाकिस्तानी, आयरलैंड, स्कॉटलैंड, लेकिन यहाँ किसने रहना है? तो हमने यही रहना है। हाँ, हम उसी दीवाने के ग्रोह से हैं जो कहता था, मैं जहरे हला हल को कभी कह ना सका था। ये हक सच पे डटना और उसे एक अल्लाह को, उसके नबी को हाजिर नाजिर मानना और उनकी खातिर उनके होने की गवाही देते हुए इसी जगह पे खुशी से अपनी मकदूर भर कोशिश करना, ये फिलहाल इस वाक़े के बावजूद इस जज्बे में मेरे या मेरे भाई के या मेरी फैमिली के किसी को कमी नहीं आई। यंगस्टर्स के बहुत अग्रेसिव सवाल थे, अभी भी हैं, मुझे पता नहीं इनके दिलों में फिलहाल क्या चलता है, लेकिन मैं जानता हूं कि आखिरी पता हकीकी होगी। आप सबका बार बार शुक्रिया भी अदा करना था, जितना ज़्यादा आप लोग फ़ोन भी कर रहे थे सभी लोग, और इस मुश्किल वक्त में जिन लोगों को मैं उस वक्त फ़ोन कर रहा था, मेरे तो पेशेंट थे, दोस्त थे, दुआ वाले दोस्त थे, और मैं खुश हूं कि मैंने जिसको भी फ़ोन किया उसने अपनी मकदूर भर कोशिश की। बल्कि शुरू में तो चंद इतने कॉन्फिडेंट थे कि प्यार से मुझे ये कहते कि आपने थाने नहीं जाना, आप बस बैठे, सर ये हो जाएगा, सर ये अभी हो जाएगा, यूं हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन अगले 4-5 घंटे में उन्हें भी पता चला कि बहरहाल जब अदालतें इंसाफ ना करें, महकमे अपनी अपनी खलड़ी के अंदर ना रहें, हर कोई अपनी अपनी हदूद से तजावज करे, आप मुल्क के अंदर जिसकी लाठी उसकी भैंस का असूल नाफिज करें, जेड़ा जिन्ना लुच्चा उन्ना उच्चा होने लग पवे, ठीक है। जब थानों में जाते हुए शुरफा को डर आए, जब हम अभी यूसुफ से भी छोटी उम्र के थे, मैं अपने वालिद और अपने तायाओं से, ये गांव के लोगों से एक फिक्रा सुनता होता था, आज तक हमारे में से कभी कोई थाने नहीं किया, और ये बड़े फख्र से बोलते थे। और मैं सब, मुझे जो उस वक्त तक पुलिस स्टेशन का वैसे उन्होंने बताया था, तो मैं कहता था कि पुलिस स्टेशन अगर चले भी गए तो ये कौन सा कोई हीरा मंडी है कि जहाँ चले गए तो कोई गलत बात है या कोई ऐसी गंदी जगह है। और या ये भी बड़े फख्र से कहते थे कि हमारे बाप के दौर से, मेरे दादा नंबरदार थे, हमारे बाप के दौर से लेके अब तक हमारे गांव में कभी पुलिस नहीं आई। लोग लड़ भी पड़ते थे, छोटे मोटे जुर्म होते भी होंगे,
लेकिन लोग आपस में ही बड़ों की बात को मानते थे, पंचायत इतनी अच्छी होती थी, सियासत होती थी लेकिन रवादारी बहुत ज्यादा होती थी, बड़ा बड़ा ही होता था, छोटा छोटा ही होता था, और आपस में एक दूसरे से इतना इस किस्म का मिलन वर्तन था, इस तरह की डीलिंग थी कि हर कोई एक दूसरे के काम आया होता था और जिसकी जितनी मकदूर पर जो भी सकत होती थी, तो उस वजह से आपस के झगड़े बहुत दूर तक नहीं जाते। और मस्जिद में या नेकी के काम में लोग जब बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते थे तो ये पता होता था कि हम में से बेहतरीन कौन है, वही गांव का बड़ा होता, वो किसी के बच्चों को भी डांट लेता था, उससे सारों की जान जाती थी, वो ऑटोमेटिकली गांव शहर या मोहल्ले का बड़ा होता था। ये मैं बहुत पुरानी बातें नहीं कर रहा, ये मैं जनरल जिया साहब के मार्शाला से थोड़ी अरसा पहले भुट्टो का दौर था, और मेरे वाले साहब उस वक्त भुट्टो साहब की अप्रोच को भी, जो उन्होंने अवामी लहर चलाई या रेड़ी वाले के हकूक की बात की, सारी बातें की, वो कहते होते थे कि लेकिन इनको ये वाजे करना चाहिए कि बहरहाल जिन्हें अल्लाह ने इज्जत दी है, जिन्हें अल्लाह ने फजीलत दी है, उनका एहतराम जरूर देखा जाए, ये गड़ा और घोड़ा एक ही जगह हाँकना ना शुरू कर दें। और उसके बाद अफगान जहाद, फिर वाइट गोल्ड या हेरोइन की स्मगलिंग, फिर तालिबान और एंटी तालिबान और प्रो तालिबान, फिर हमारे अपने मुल्क में जिया साहब के जहाज क्रैश होने और जहाज फट गया, बड़ा मशहूर फिकरा था, हम उस वक्त अभी मेडिकल कॉलेज में पढ़ते थे। गुलाम इसहाक खान साहब, पहले नवाज शरीफ साहब ने जुनेजो साहब की तंबी खींची 2-3 साल की हुकूमत के बाद, फिर नवाज शरीफ साहब और बेनजीर साहिबा को आपस में 2 साल लड़ाया गया और इसहाक साहब ऊपर बैठे रहे, नवाज शरीफ साहब आए तो इसहाक साहब और नवाज शरीफ साहब लड़ पड़े, और 93 में काकड़ फार्मूला भी हम सब ने देखा, फिर बेनजीर साहबा दोबारा आई और 3 साल के अंदर अंदर उनका अपना भाई भी शहीद हुआ या मारा गया, और उसका आज तक कोई वाली वारिस नहीं है। 96 में उनके अपने महल में से, फिरौन के महल से जो है फारूक लगारी या मूसा पैदा हुआ, उन्होंने जो उनके अपनी पार्टी का, उनके वालिद के दौर का साथी था, उन्होंने अपनी पार्टी की हुकूमत सदर साहब ने टॉपल की। फिर 96 से 99 नवाज शरीफ साहब बेस्ट मैंडेट लेके आते हैं, और जस्टिस सज्जाद अली शाह, आसिफ नवाज जिंजुआ की अचानक हार्ट अटैक से मौत, एक आर्मी चीफ थे, इस सारी कहानियों के बाद जनरल मुशर्रफ और नवाज शरीफ की कहानी, त्यारा अगवा और नवाज शरीफ साहब का गवर्नमेंट का टॉपल होना और मुशर्रफ साहब का टेक ओवर करना, ये सुनते देखते हम जवान होते गए और अब बूढ़े हो गए। हम हमेशा मुल्क इंतहाई नामसाद हालात से गुजरता रहा, हम लोगों का एक फिक्रा बहुत बोला जाता है, हम हालते जंग में हैं या हम इंतहाई नामसाद हालात से हैं, अभी बहुत मुश्किल काम है मुल्क पे, बहुत मुश्किल वक्त है, मेरा अल्लाह इस मुल्क को चला रहा है। मुशर्रफ साहब को 9/11 फेस करना पड़ गया, 9/11 के बाद पाकिस्तान से बाहर भी जो मुसलमानों का हाल हुआ, पाकिस्तान के साथ भी जो हुआ, और फिर अफगान वार, और पाकिस्तान के अंदर जो अफगान रेफ्यूजीज तो ऑलरेडी आए थे 30 लाख पहले जंग के बाद, उसके बाद तालिबान, एंटी तालिबान, पाकिस्तानी तालिबान और दहशतगर्दी के वाकयात, बॉम्ब ब्लास्ट, दुनिया में हमारी ये पहचान, फिर 2005 से 2007 में जस्टिस इफ्तखार साहब की ज़बरदस्त किस्म की मूव, और आखिर में पता चला कि उसमें भी सारा पीछे से पैसा, लंदन प्लान था, आपस में जो कुछ भी था, और मुशर्रफ साहब टॉपल किए गए लेकिन रेड कारपेट के साथ भेजे भी गए। उसके बाद मुशर्रफ साहब के जाने के बाद जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब की आपस की टसल में 5 साल और 5 साल, 2013 से इमरान खान साहब का पॉलिटिक्स में एक्टिव रोल शुरू हुआ, 2018 में आखिरकार नवाज शरीफ साहब का एग्जिट, डेफिनेटली वो जो पनामा लीक्स थी वो बहरहाल पाकिस्तानी एजेंसियों का या किसी का काम नहीं था, वो बहरहाल वो हुई, उसी का प्रिटेक्स बना कुछ मेरे नज़दीक खत्म नबवत के जो खत्म रिसालत का जो लॉ था उसमें जो छेड़छाड़ की गई उसका खमियाजा भुगतना पड़ा। और फिर
इमरान साहब आए। इमरान साहब की गवर्नमेंट में कोविड उन्होंने तो 3 साल की हुकूमत जू जमे बोधी लंबे वाली थी, वो कहानी है। क्राइसिस ही क्राइसिस उनको फेस करने पड़े, अल्लाह ने उन्हें बहुत से क्राइसिस में से उन्हें भी निकाला, कौम को निकाला। पहले इंडिया ने हरकत की, अभिनंदन कलभूषण उसे पहले पकड़ गया था, फिर कोविड अल्लाह ने बड़ा अच्छे तरीके से महसूस से निकाला। इस मुल्क की एडमिनिस्ट्रेशन को, रियासत दानों को अल्लाह ने मुख्तलिफ जगहों पर दिखाया कि अगर ये अल्लाह पे यकीन रखें, उसके ऊपर तवक्कल करें, बहुत सी टफ सिचुएशंस में से भी अल्लाह करीम ने निकाला। फिर पिछले साल अगेन गवर्नमेंट चेंज होती है और एक साल से जो कुछ हो रहा है मैं उसके ऊपर कोई राय नहीं देना चाहता। जब सिटिंग जज के सामने एक पुलिस ऑफिसर कहता है कि सर मेरी मजबूरी है, आप आज़ाद कर भी दें, मैंने गिरफ्तार कर रहे हैं, तो बात कोई रह नहीं जाती। और आखिर में डॉक्टर साहब वाला वाक्य, तो हमने किसके पास जाके मुदई होना है या किसको जाके कानून पढ़ना है या पढ़ाना है। हम अल्लाह से, अदल उसका एक नाम है जो बैलेंस करता है, वो खुद बेहतरीन बैलेंस करने वाला है, अगरचे उससे अदल मांगते हुए डर आता है। लेकिन ये आम अदल की दुआ है कि या अल्लाह, अब माशरे में इतने एक मजलूम हैं और हम सब आपस में इस गुरबीर में कुछ मस्त हैं कुछ बदमस्त हैं और सबका यही कहना है कि दूसरा गलत है। इस फितना की सिचुएशन में बाहर के लोगों को भी पूरा मौका मिलता है मैनिपुलेशंस करने का और खुल खेलने का। हम मुआशी तौर पे, इखलाकी तौर पे और बैन अवी सिचुएशन में भी इस वक्त बहुत लो लेवल पे आ गए हैं। मेरे रब और उसके रसूल की ख़ास करम फरमाई के सिवा हम इसमें से नहीं निकल सकते। छोटी सी दुआ, आंखें बंद करें। मेरी वालदा की आवाज़ें शायद बीच में बीच आ रही हूँ, मेरा इंतज़ार कर रही है, मैंने वापस जाना है उन्हें लेके, और मुसलसल वो अभी थोड़े गुस्से में ही हैं, उनके शायद कमेंट्स बीच में आए हों। आंखें बंद करके अपने अल्लाह के आगे पेश हो, वो आपके अंदर, आपके दिल में, आपकी सांसों में आपके ख्याल भी सुन रहे हो, वो सबसे करीब, आपके ख्याल से भी करीब। उसका एक नाम अदल है, ये उसका अपना एक सिफाती नाम है। अपने दिल में जुबान हिलाए बगैर, होंठ हिलाए बगैर प्यार से 3 बार अदल 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 प्यार से पुकारे। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो। तारिक साहब को आपने खुद बनफ्से नफीस देख लिया है, माशाल्लाह ठीक है, राइट आर्म पे उन्होंने एनेस्थीसिया, उन्हें प्लास्टर लगा दिया था और कहा था 1 हफ्ते के बाद हम दोबारा देखेंगे, अगर ये बोन अपनी जगह पे सेटल रही, अलाइनमेंट रही, तो इसी में ये लम्स वालों की तरफ से ही इन्हें कहा गया कि नहीं आप शालामार से सीटी कराएं। मेरे बहुत से सीनियर डॉक्टर्स दोस्त जिनसे मैंने मशवरे भी किए, उन्होंने फ्री ऑफर किए हमारे पास आए और बड़ी जेनरसली उन्होंने बड़े पोलाइटली देखा भी अगले दिन 2 दिन में तावन, जैसे मैंने जहाँ जिसको पकड़ा किसी के घर, किसी के क्लिनिक पे, किसी के फ़ोन पे, लेकिन सीटी स्कैन कराने गए थे शालामार उनकी यूनिवर्सिटी की तरफ से, वहीं पर डॉक्टर साहब जो थे ऑर्थोपेडिशियन, उन्होंने प्लास्टर कर दिया कि 1 हफ्ता करके देखते हैं, नहीं तो फिर हम इसको प्लेटिंग करके करेंगे केसीएच में, बेहतर है कि वो अगर ये बैठी रहती है हड्डी अपनी जगह पे, दुआ कीजिएगा, तो फिर किसी प्लास्टर को 6 से 8 हफ्ते रखा जाता है। जहाँ तक लेफ्ट नी की बात थी, वो इन्हें वेट बेयरिंग से मना किया गया कि
क्योंकि इनके लेफ्ट लेटरल कॉन्डाइल फ्रैक्चर था वो डिस्प्लेस्ड नहीं था, वो प्रेस इतना नहीं था, तो अगर ये वेट बेरिंग ना करें उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला 4 से 6 हफ्ते में वो भी जुड़ना चाहिए। इस उम्र में 8 हफ्ते भी लग सकते हैं, दर्द कई बार 1 साल भी रहती है, किसी को चोट लग जाए तो उसको मजाक ना उड़ाया करें, ये जब अपने ऊपर गुजरती है तो फिर पता चलता है। तो अल्लाह ना किसी को किसी मुश्किल वक्त से गुजारे। हमारी कौम जितनी जल्दी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात में गौर करना शुरू करें, उन्हें अपना रोल मॉडल बनाए, उनको और उनके अल्लाह को हर वक्त हाजिर नाजिर अपने ऊपर देखता हुआ मानना शुरू कर दें, हर वक्त इस हाल में तैयार रहें कि अगर अभी मुझे मेरे अल्लाह या मेरे नबी के सामने पेश किया गया तो क्या मैं कोई ऐसी बड़ी गलती तो नहीं कर सकता, कर रहा कि मैं उनके सामने ऐसी हालत में पेश किया जाऊँ कि फिर मेरे पास डूब मरने के सिवा कोई मौका ना हो, क्या जब वो हर वक्त मुझे देख रहे हैं क्या मैं उनको फॉलो कर रहा हूँ, नहीं कर रहा, मैं उनके रास्ते पे हूँ कि नहीं, जितना भी कर सकें। ख्वातीन के बारे में ख़ास एहतियात करें, आप सियासी इख्तलाफात करें, आप घरों में एक दूसरे के साथ लड़ते हुए भी ध्यान करें, आप उनको बहतान दुश्नाम लगाते हुए और गीबत जैसी, ये मीडिया की वजह से कैमराज की वजह से ये एक बहुत काम शुरू हुआ है, टीवी पे भी मैं देखता हूँ बहुत थोड़ी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन होती है, इवन बड़े बड़े एंकर्स के पास उसी के ऊपर ऐसे ऐसे कुलाबे मिलाए जाते हैं, आपके जो फेवरेट आज आपको एक बात मैं कहता हूँ, आप जिस मर्जी पार्टी के हैं आपके जो फेवरेट एंकर्स हैं या आपके ख्याल में जर्नलिस्ट एनालिस्ट हैं, आप उनके जो रोज़ के वीलॉग की टाइटल्स हैं सिर्फ वो आप पिछले 10 दिन के इकट्ठे एक लाइन में रखें और 10 दिन पहले वाले पढ़ें, प्रेजेंट सिचुएशन में भी एक दिन वो कह रहे होंगे कि फलां बंदा जो है बस अब वो आ गया, और हफ्ते बाद वो कह रहे होंगे कि अब वो मरने लगे, ठीक है, और ये रोज़ाना की हाइप क्रिएट की जाती है जिससे हिजान भी पैदा होता है। टीवी पर सिवाय प्रोपेगंडा के जिसका उस पर काबू आ जाए, जिसके पास उसके पैसे बहुत ज़्यादा हैं, जो उस मीडिया को खरीद सके, इस एक आंख वाला जो कैमरा जो है या दजाल जो है, ये दजल कहते हैं धोखा फ्रेब का दौर, ठीक है, तो आप उसमें ये हिस्सा तो ना डालें कि आप भी धोखा फ्रेब लोगों को अपने ज़ाती मफादात के लिए या माली मफादात के लिए या मटीरियलिस्टिक गेंस के लिए, ये लम्हाती फ़ायदों के लिए या जिनसी तलज़ के लिए आप ख़वातीन के ऊपर रकीक हमले या बहतान लगाते हुए एक लम्हा नहीं सोचते कि बहतान की कितनी बड़ी सज़ा है और मेरे नबी का उसके बारे में क्या हुक्म है। मीडिया का भी ज़रूरी काम है कि वो हकायक दिखाए, वो हकायक अवाम को ज़रूर बताए, लेकिन सारी बातें सारी चीज़ें पब्लिक को बताने की भी नहीं होती, इमेच्योर माइंड्स को बताने की नहीं होती। आप खुद देखा करें कि क्या वो खबर आप अपने छोटे बच्चे को दे सकते हैं, क्या आप किसी जज्बाती बहन भाई को इमेच्योर बच्चे को वो बात बता सकते हैं जो कोई समाजी लेवल पे या मुल्की लेवल पे एक समझदारों के लिए ही वो खबर हो या ख़तरा हो जिसको वो कोप कर सके। आपके अपने रिलेटिव्स में किसी की कोई बुरी खबर, खुदा न खास्ता कोई मेडिकल रिपोर्ट ही गलत हो तो आप वो भी बच्चों को या सारे घर को नहीं बता रहे होते, वो भी एकाएक में बताया करें, इवन उस मरीज़ को आपने नहीं बताया होता कि उसको लास्ट स्टेज कैंसर है। इसी तरह मुल्क में अफरा तफरी अपनी हाइप के साथ क्रिएट ना किया करें, या मुल्क में लोगों को मायूसी मत बनाएं, लोगों को मुस्बत रूप भी दिखाएं, और अगर जो गलत है तो उसको गलत कहें, जो सही है उसके साथ खड़े हों, ये आपके अल्लाह का हुक्म है उन्हों मा सादिकीन के सच्चों के साथ खड़े हो जाओ। और आप खुद सच बोलते होंगे, आप सच्चे थोड़े होते हैं लेकिन आपको सच का साथ देना चाहिए, हक का साथ देना चाहिए। एक हफ्ता हो सके तो रोज़ाना आधा गिलास पानी के साथ आंखें बंद करके अपने दिल में प्यार से 3 बार अदल 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 पुकारें, इस मुल्क के लिए, इस कौम के लिए, अपने घर के लिए, और वो पानी 3 सांसों में पी के आंखें खोल लें। एक हफ्ता सिर्फ ये करें, जितने भी मजलूम हैं जो समझते हैं उनके साथ जुल्म हो रहा है उनकी कहीं दादरसी नहीं है, कोई अदालत, कोई थाना, कोई हुक्मरान उनकी मदद को नहीं आता बल्कि उल्टा उन्हीं को इंक्रिमिनेट कर देता है। उन सब के लिए ये आम इजाज़त और दुआ और रिक्वेस्ट है, अल्लाह आप सब कहे हामी नासिर मददगार रहे। अल्लाह हाफिज़।